ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله काबिल एतराम कराम ज़िम्मेदारान मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल एतराम और बहनों इंसान की कामयाबी की बुनियाद और उसका राज इसमें है कि वो अपने लिए सही मकसद की तयन करे और उस मकसद को सही तौर पर समझे और फिर अपनी सारी सलाहियतों को उस मकसद के हसूल में इखलास और क़ुरबानी के साथ लगा दें एक फ़र्द या एक जमात कामयाब कब होती है जब तक कि सही मकसद उसके सामने ना हो वो कामयाब नहीं हो सकती है दूसरे ये कि मकसद सही मिल जाने के बाद बाज़ बाज़ात उस मकसद की तफसीलात और तशरीहात गलत होती हैं बताने वाले ने बताया कुछ और सुनने वाले ने समझा कुछ तो बाज़ बजात उस मकसद के समझने में इंसान से ग़लती होती है लिहाजा उसकी कोशिशें भी ग़लत रुख पर चली जाती हैं कभी ऐसा होता है कि इंसान मकसद को सही तौर पर समझता है लेकिन इलमी सतह पर सही तौर से समझने के बावजूद अमली सतह पर वो फेल हो जाता है उसकी ताकत जिस काम के लिए लगनी चाहिए थी नहीं लगती है बल्कि वो तैतुल और बेअमली का शिकार होकर रह जाता है वो वो नहीं करता है जो उसको करना चाहिए ये चीज़ इंसान की नाकामी का सबब बनती है तो सही मकसद का मिलना उस मकसद को सही तौर पर समझना और फिर अपनी सलाहियतों को उस मकसद के हसूल के लिए खपा देना एक कामयाबी की लाजमी शर्त है मज़ीद इसमें ये भी ज़रूरी है कि इंसान की सारी कोशिश अल्लाह की खातिर हो और ये कोशिश वक्ती जज्बे के तहत थोड़ी देर के लिए ना हो बल्कि दायमी हो हमेशा के लिए हो इसलिए कि अल्लाह के नबी सल वसम ने फ़रमाया अहबलामल्ला व इनकल अल्लाह के नज़दीक सारे आमाल में सबसे बेहतरीन पसंदीदा अमल वो है कि जिस पर इंसान दवाम के साथ हमेशगी के साथ बाकी रहें चाहे वह अमल थोड़ा क्यों ना हो तो कामयाबी के लिए बुनियाद है अगर पहले ही मरहले में इंसान से गलती हो जाए तो बाकी सारा मामला और ज़्यादा बिगड़ जाता है मिसाल के तौर तो पर एक इंसान को किसी डेस्टिनेशन पे जाना है मंजिल पर जाना है लेकिन वो कहीं और ही के रास्ते पर निकल जाए ये समझे कि मेरी मंजिल यहाँ है तो जितना ज़्यादा वो सफ़र करता चला जाता है जितना ज़्यादा वो मेहनत करता है जितना ज़्यादा वो रास्ता पार करता चला जाता है वो असल मकसद से असल मंजिल से और दूर होता चला जाता है इसलिए जिंदगी में कामयाब होने के लिए जरूरी है कि इंसान के पास सही मकसद हो लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यहां पर इंसान अपने लिए खुद मकसद बनाए या उस मकसद को अपनाए जिसने उसको बनाया है इस्लाम की तालीमत के एतबार से इंसान की अक्लमंदी और कामयाबी का दारोमदार इस पर है कि वो मकसद अपने लिए चुने नहीं क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी अल्लाह ताला ने मकसद चुन लिया है उसके लिए अल्लाह ताला ने मकसद दे दिया है अब उसको मकसद बनाने की जरूरत नहीं है अब उसको मकसद चुनने की जरूरत नहीं है उसको बस अपनी सारी सलाहियतों को उस मकसद के समझने और उस मकसद पर अमल करने या उसको पाने के लिए खपाने में लगानी चाहिए तहरीकों की गलती बुनियादी यह होती है कि वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए मकसद को लेने की बजाय अपने शौक़ और जज्बे से अपने लिए मकसद चुनते हैं और फिर उस मकसद के लिए सारी ताकतें लगा देते हैं और उसके अतराफ़ फलसफा घड़ देते हैं सूफियत को आप देखिए सूफियत ने अपने लिए मकसद क्या तय कर दिया अपने लिए फलसफा घड़ा क्या कि इंसान कतरा है और अल्लाह नौजिल्ला समंदर है कतरा अगर समंदर में मिल जाए तो वो भी समंदर बन जाता ये कतरे और समंदर की हद तक तो ठीक है लेकिन यही नौयत बंदे और रब की है ये किसने बताया सूफियत की सारी इमारत इस पर तामीर है ये वो कतरा इंसान जो है अगर समंदर में मिल जाए फानी फिल्ला बाकी बिल्ला वासिल बिल्ला उसका काम यह है कि वो अल्लाह ताला में खो जाए फना हो जाए अल्लाह में नौज बिल्ला मिल जाए तो इसमें वो सारे औसाफ पैदा हो जाएंगे जो नौज बिल्ला अल्लाह रबुलमीन के हैं मकसद अपने लिए क्या तय किया ये दिया किसने मकसद किसी ने नहीं अल्लाह ने नहीं दिया था अल्लाह ताला की तरफ से तो मकसद क्या था वह अब का हत्या यकीन अपने रब की इबादत करता रहे यहां तक कि तुझको यकीन यकीनी चीज मौत आ जाए यानी मौत तक तू बंदा ही रहेगा अपने रब की रब रब ही रहेगा वो तू रब में मिल नहीं सकता और तेरी जिंदगी का मकसद इबादत है इबादत के आखिरी मरहले तक मौत तक भी इबादत तो करता रहे तब भी अब्द ही रहेगा कुरान की साफ आयत है लेकिन इस आयत को फिर और पलट के कुछ कर दिया गया कहा कि वह बोबा का हत्या यकीन से मुराद यह है कि यकीन आ जाए तो अब इसका और एक बुरा नतीजा क्या निकला कहा कि हमको यकीन हासिल हो चुका है अब हम इबादत छोड़ सकते हैं क्योंकि आयत क्या बता रही है अपने रब की इबादत करता रहे यहां तक कि तुझे यकीन आए ये नहीं जाना कि यकीन से मुराद यकीनी चीज़ मौत है क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने तशरकिन और जहन्नमियों का कौल जिक्र किया यकीन हम अपने इसी तमाशे में लगे रहे यहाँ तक कि हमको यकीन आ गया यानी मौत आ गई कुरान ही में अल्लाह ने बताया था कि यकीन से मुराद क्या है वो चीज़ जिसको कोई जिसका कोई इनकार नहीं करता इतनी यकीनी है अल्लाह को नहीं मानने वाला भी मौत को मानता है तो मौत आने तक अपने रब की इबादत करता रहे ये मकसद था सूफियों ने आयत तो ले ली मतलब बदल दिया और अपने तौर से फलसफा घड़ दिया कि बंदे का मकसद ये है कि वो अल्लाह ताला में मिल जाए इसलिए आप तसव्वुफ की किताबों को देखेंगे वह हरतुल वजूद का अकीदा उसमें उसकी तफसीलात आपको सारी मिलेंगी जिसका ये वक्त नहीं है मकसूद यहां पर यह है कि इंसान की गुमराही कहाँ से शुरू होती है वो अपने तौर पर एक फलसफा घड़ता है अपने तौर पर एक महल बनाता है और उसी को सारी उम्मत में राज करने की कोशिश करता है यह हमारी जिंदगी का मकसद है यह हमारी डेस्टिनेशन है हमको यहां पहुंचना है अल्लाह ताला ने हमको ये काम दिया ही नहीं है इसकी जरूरत ही नहीं है तो मकसद तय करने वाला होता कौन है अपनी जिंदगी के लिए और सारी उम्मत के लिए जिसने तुझको बनाया जिसने चिड़िया बनाई जिसने तितली बनाई जिसने परिंदे बनाए जिसने मछलियां बनाई जिसने सारी मखलूकत को पैदा किया हर एक को उसने उसका काम दे दिया उसकी जिंदगी का मकसद दे दिया अल्लाह आपका कुल्ल इन खलका हो तुम महदा मुसाला ने दाव दी तो क्या कहा अल्लाह हमारा रब कौन है अल्लाह आपका कुल्ल इन खलका जिसने हर मखलूक को उसका ढांचा दिया सुम्मा हदा फिर उसको उसके मकसूद की तरफ रहनुमाई करती है सारी चीजें अपना अपना बराबर काम कर रही हैं कोई परिंदा आप सोचता है क्या करना चाहिए जिंदगी में कुछ एक अपने लिए गोल बनाना चाहिए कोई करता है ऐसा शहद की मक्खी ने सोचा ये कब तक छत्ता बनाते हैं कुछ तो दूसरा बनाएंगे घोंसला बनाएंगे कभी वो आपस में मीटिंग करके अपने लिए नया मकसद नहीं चुनते हैं अल्लाह रबुल आलमी ने जो मकसद उनको दिया है उस मकसद के मुताबिक जीते तभी कायनात का निजाम सही चल रहा है मालूम यह हुआ कि इंसान की नजात इसमें यह है कि वो उस मकसद को अपनाए जो अल्लाह ने उसके लिए दिया है उससे ज्यादा कौन जानता है कि इसके लिए भलाई किस में है अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है अला या मुन खलक क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया यानी अल्लाह को नहीं मालूम अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया अल्लाह को मालूम है फिर अल्लाह को मालूम है अल्लाह बताएगा नहीं पैदा तो कर दिया मकसद ही नहीं बताया इसका हो नहीं सकता है न सिर्फ फर्द के एतबार से बल्कि मुजतम के अतबार से कौम यानि उम्मत के अतबार से अल्लाह ताला ने मकसद बता दिया है क्या मकसद है वो कुरान करीम में दो जगह फर्द और मुजतम का मकसद अल्लाह ने बता दिया है इसलिए कि किसी भी इंसान के लिए मकसद जानने के लिए गुमान और किया सारायाँ और फलसफे और इस तरह की तफसीला नहीं क्लैरिटी के साथ वो होना चाहिए इस्लाम में पेशा पाखाने के अकाम तो बता दिए गए हैं और इंसान को जिंदगी का मकसद न बता दिया गया ऐसे हो सकता है अल्लाह ताला ने मकसद बताया सादा अल्फाज में बताया वह लिया मैंने जिन्नात और इंसानों को पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए यहाँ पर लिया में लाम तालील के लिए है क्यों ली याबुदून लियाबुदून में याबुदून पढ़ते हैं असल में है वो याबुदूनी लेकिन अरबी में जब जुमला खत्म होता है आयत खत्म होती है तो या छोड़ देते हैं और कसरा लगा देते हैं याबुदूना नहीं है वो है। याबुदूनी है वो मैंने जिन्नात को पैदा किया क्योंकि जिन्नात भी मुकलफ मखलूक हैं क्यामत के दिन उनका भी मुहासभा होने वाला है फबी अय आलाबिकुमा तुकदीबान कहा मैंने जन्ना तो इंसानों को पैदा किया तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए तो मालूम हुआ कि ये मखलूक का हर फर्द की जिंदगी का मकसद है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें इसी लिए इमामबुखारी ने सही बुखारी में मिसायद की तफसीर में क्या कहा आई ताकि वो मेरी तोहीद का अहतमाम करें मुकातिल इबन सुलेमान और कई मुफसरीन ने इसको जिक्र किया कि यहाँ याबुदून से मुराद क्या है अल्लाह की भी इबादत करें दूसरों की भी बात करें नहीं अल्लाह की भी इबादत करें नहीं अल्लाह ही की इबादत करें लियोदून वो मेरी तौहीद का एहतमाम करें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को अपना रब आने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को अपना मबूद तस्लीम करें और उसकी इबादत करें और अल्लाह की सिफात में अल्लाह के आसमा में किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करें अल्लाह जैसा किसी को न माने अल्लाह जैसा मामला किसी के साथ न करें अल्लाह की मारिफत में किसी को उसके साथ शरीक न करें अल्लाह के हकूक़ में किसी को उसके साथ शरीक न करें ये मकसद है इंसान को पैदा करने का सवाल यह पैदा हो फिर ठीक है उम्मत का मकसद क्या है एज अ कम्यूनिटी या एज अ उम्मा पूरी उम्मत के तौर पर हमारा गोल क्या है अल्लाह ताला ने बतला दिया कुन तुम उम्मतिन उखरिजत मारूफी व अनिल मुनकरी व तानी तुम बेहतरीन उम्मत हो मालूम है कि यहाँ पर उम्मत की खैरियत का जिक्र हो रहा है सारी उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत ये है अब जब फजीलत बताई तो फजीलत बताने के साथ अल्लाह ताला ने उसकी वजह बताई क्यों अफजल है कौन तुम खैरा जिसे लोगों के लिए चुनकर अलग किया गया है यहां पर जो है ये इनको निकाला गया है दूसरों से अलग करके हुआ कुम जैसे दूसरी जगह अल्लाह ने कहा उसने तुमको चुना है जब इंसान चुनता है किसी चीज को चुना जाता है तो चुन के अलग किया जाता है तो कहा कि उखरिजत इजत लिन्नास लेकिन यहाँ लिन्नास है लोगों के लिए तुमको निकाला गया है यानी तुम्हारी जिंदगी का मकसद दूसरों की हिदायत है हक उनको समझाना है इसीलिए क्या कहा तमरून अबिल मारूफ ही व तनहन अनिल मुनकर तुम लोगों को भलाई की तलकीन करते हो भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो व तुकमिन अबिल्ला और अल्लाह पर ईमान रखते हो यानी असबाब वसाइल हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी हमारे पास फौज होगी हमारे पास हुकूमत होगी हमारे पास ये होगा तो हम कर पाएंगे नहीं अंबिया की दावत की शुरुआत हुकूमत से नहीं होती है कि हमारे पास सब ये आ जाएगा फिर हम काम करेंगे नहीं व तू मीनू नबिल्ला तुम किस पर ईमान रखते हो अल्लाह पर अल्लाह है तो सब मिल जाएगा अल्लाह अगर नहीं है हमारे पास तो सब हो कि भी कुछ फायदा नहीं और एक कौम जब खड़ी होती है जाहिर बात है तुम भलाई का हुक्म दोगे बुराई से रोकोगे जो बुराई में मुबतला है तुम्हारे दुश्मन बनेंगे जो भलाई के खिलाफ हैं वो तुम्हारे दुश्मन बनेंगे तो वह तुम मीनू तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो क्या हमारा एक रब है जो हमारी हिफाजत करेगा तुम हुकूमतों की हिफाजत पर एतमाद नहीं करते तुम टेक्नोलॉजी के पावरफुल होने पर एतमाद नहीं करते कि इसमें हमारी हिफाजत है सिक्योरिटी है नहीं तुम अपनी मेजोरिटी पर एतमाद नहीं करते कि इसमें हमारी हिफाजत है हथियार पर हुकूमत पर फौज पर तुम्हारा एतमाद नहीं है तुम्हारे एतमाद किस पर है अल्लाह पर यह बात जो उम्मत के बारे में अल्लाह ने कही यही बात अल्लाह ने मोहम्मद वसल्लम को कहीसूल इलैका कम रब्बिक ए रसूल आपके रब की तरफ से आपकी तरफ जो नाजिल किया गया है उसे आप पहुंचा दीजिए वो बलता रिसाल अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया आपने पैगाम नहीं पहुंचा है सबका सब पहुंचाना पड़ेगा आपको वल्लाहु वल्लास आखिर में क्या कहा वह यासी मुकामिननास अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा तो आप लोगों तक हक को पहुंचाइए और अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा यही बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही ईमान वालों से भी कही तुम भलाई का हुक्म देते बुराई से रोकते हो और किस पर एतमाद रखते हो अल्लाह पर मालूम यह हुआ कि उम्मत की कामयाबी याद रखें इसको उम्मत की कामयाबी इसमें नहीं है कि उनके पास हुकूमत और वसा और ये सब कुछ हो असल कामयाबी और गलबा जो है वो अंदर की ताकत ईमान पर मबनी है कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमायान वाला तजन वा वा तुम इनकुन तुमी कुरान कुरान है वाला तु हिम्मत मत हारो हिम्मत आदमी हारता है फ्यूचर के एतबार देखता सब उल्टा उल्टा ही हो रहा खतरे के हालात हैं घबराहट के हालात हैं खौफ के हालात हैं हिम्मत मत हारो आदमी क्या करता है सामने के मुश्किल देख के उसकी हिम्मत पस्त हो जाती है फ्यूचर के हिसाब से का हिम्मत मत हारो वाला तहिन वाला तहजन पास्ट में जो बुरे वाक़ात हुए हैं इंसान के साथ या कौम के साथ उसको देख के क्या होता है दिल में गम पैदा होता है नहीं हुआ जो भी हुआ मुस्तबल के एतबार से हिम्मत हारना पस्त हिम्मती और माजी के हादिसात की वजह से गम गमला और तुम ही गालिब रहोगे अलउना उलू ऊंचाई सरबलंदी फौकी तुम्हारे लिए है लेकिन ये बगैर कैद के नहीं है बगैर किसी शर्त के नहीं है शर्त है उसमें तुम ही गालिब रहोगे बस खत्म आयत खत्म हुई नहीं थोड़ा बाकी अभी है। क्या बाकी है इनकुन तुम अगर तुम वाले हो तो ने कहा तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम्हारे पास फौज होगी तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम्हारे पास हुकूमत होगी तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मेजोरिटी हो गए कहा अल्लाह ने वो सानवी चीजें हैं वो सेकेंडरी चीजें हैं प्राइमरी नहीं है असल बुनियाद जो है वो ईमान है तुम्हारी असल ताकत बाहर की चीजें नहीं है तुम्हारी असल ताकत अंदर की चीज है ईमान वो ईमान अगर तुम्हारे पास है तो अल्लाह की मदद आएगी वरना तुम्हारे पास सब कुछ होगी भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी बदर में ज्यादा ताकत किधर दर थी मुसलमानों के पास थी नहीं टूटी हुई तलवारें ढाल है तो नहीं है सवारी है तो नहीं है बीमार हैं, कितने लोग तो बीमार थे उसमें सवारियां किसी के पास थी किसी के पास नहीं भी थी सामने ताकत ज्यादा है लेकिन यहां ताकत अल्लाह की साथ में है वहां अल्लाह की ताकत साथ में उनके है उनके साथ में नहीं है इसीलिए आप देखिए ओहद में जब हालात बुरे हुए तभी भी वहां से कुरैश की तरफ से खड़े होके एक ने कहा लना उज्ञा वला उज्ञा हमारे पास उज्जा है तुम्हारे पास उज्जा नहीं है उनका बुत अल्लाह के नबी कहा खड़े हो बोलो अल्लाह मौलाना वला मौला अल्लाह हमारा मौला है कार है तुम्हारा कोई मौला नहीं है हमारे पास अल्लाह है जब मुसलमान की निगाह अल्लाह से हट के वसायल पर हो जाती वहां से मुसलमानों का जवाल शुरू हो जाता है असल चीज सबसे पहले अल्लाह को पाना है बाकी सब बाद में देखेंगे लेकिन जब मुसलमान अल्लाह को पाने से पहले चीजों को पाने के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं वहां से मुसलमानों का जवाल फिक्री अमली और हर एतबार से शुरू हो जाता है बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ये है तोहहीद तो कब तक चलेगा तुम्हारा तोहिद मुसलमानों के हालात देखो कैसे हो रहे हैं इकामत दीन के लिए कुछ करना चाहिए सियासी एतबार से कुछ इकदाम होने चाहिए इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए कुछ करना चाहिए कब तक चलेगा ये तोद बस ना कई लोग इस तरह के मशवरे उलमा को देते हैं जिनको सुरे फातिहा पढ़ने नहीं आती तोहीद मरने तक है क्योंकि अगर तोहहीद मरने से पहले छोड़ दिया सीधा जहान में जाएगा न सिर्फ मक्की सूरतों में तोहहीद है बल्कि मदनी सूरतों में भी तोहीद है तोहीद खत्म नहीं होती कभी पहले हम लोग बचपन में तोहीद सीखते थे पढ़ते थे अब नहीं पढ़ेंगे तोहीद की जरूरत मौत तक है ये बात अगर हम भूल जाएं यहां से हमारा फसाद शुरू होगा इसको समझना बहुत जरूरी है देखिए सियासी हालात बनते बिगड़ते रहते हैं और बहुत मुमकिन है आगे और भी बिगड़े और सियासी हालात में आदमी की सोच भी सियासी हो जाती है और आदमी बहुत सारी बुनियादी चीजों को पीछे डाल के कुछ और चीज़ों को सबसे आगे करने लग जाता है क्योंकि इंसान की सोच जो है हालात के ताबे होती है मुसलमान की सोच हालात के ताबे नहीं होना चाहिए शरीयत के ताबे होना चाहिए नसूस के ताबे होना चाहिए कुरान सुन्नत के ताबे होना चाहिए चाहे हालात कैसे भी हों हमारी हमारी निगाह में वही अहम हो जिसको अल्लाह ने अहम करार दिया है जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहम करार दिया है हल वही है जो अल्लाह बताए हमारी अकली नहीं लेकिन जहां से हम अपनी अकलों से हल निकालना शुरू करते हैं वहां से मुसीबत शुरू होती है आज की गुफ्तु में इसी ताल्लुक से हम कुछ बातें देखेंगे जो खास तौर से सियासी तनाजर में बाज लोगों ने गलतियां की वो एक शख्सियत नहीं एक फिक्र है क्या तोहहीद की दावत छोड़ के हमको इकामत दीन के लिए अब खड़े होना चाहिए बस हो गया तोहहीद सीख ले तोहहीद अब इकामत दीन का काम करना चाहिए क्या ये दोनों चीजें अलग हैं पहले तो सवाल ये पैदा होगा कि दोनों अलग हैं क्या और इकामत दीन का मतलब क्या है बहुत सारे वो लोग जो इकामत दीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उनको खुद मालूम नहीं ना दीन मालूम नहीं मालूम और दोनों का तो और ज्यादा मुश्किल वो भी नहीं मालूम समझना जरूरी है कि वाकई एक मुसलमान का और उम्मत का मकसद क्या है अल्लाह का मुतालबा बंदे से क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हमको ये बात मालूम होती है के रसूल फरमाते हैं जिस आदमी को सबसे हल्का अजाब होगा अल्लाह उससे पूछेगा लो का माह तुझको जमीन में से इतना और इतना सब कुछ तेरे पास हो सोना चांदी जेवरात और माल और दौलत और सब कुछ तेरे पास हो क्या तू अपने बदले ये सब देने के लिए तैयार हो जाएगा अपनी जान छुड़ाने के लिए दुनिया भर का सारा माल और दौलत और दुनिया की हुकूमत और मिल्कित और सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा अपने बदले अपने को छुड़ाने के लिए फदिए में देगा फैयाम कहेगा हाँ सब दे दूंगा अपने आप को बचाने के लिए जहन्नम से फयाकुल अल्लाह ताला उसे कहेगा आरतु मिन का आहवा ना मिन हदा अन तफी आदम मेरा मुतालबा तो तुसे इससे भी हल्का था जबकि तू आदम की सुलभ में पीठ में था एक रिवायत में है किस सु, तमा हुआ इससे भी आसान चीज तुझसे पूछी गई थी मांगी गई थी इतना दुनिया भर का सोना चांदी और सब हुकूमतें दे दे, दे तू इससे कम तुझसे डिमांड थी क्या डिमांड थी अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा अल्ला तुश्री कभी व अबई था अन् तुश्री कभी मेरा मुतालबा बस इतना था कि मेरे साथ तो किसी को शरीक न करे बस इतना ही था लेकिन तूने नहीं माना तूने जिद की और मेरे साथ शिरक किया तेरे से मेरा इस, इस हदीस से इस हदीस को इमाम ने और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है हदीस से इमाम बुखारी ने हदीस नंबर छह हजार सौ सत्तावन पर है इसलिए मैं हवाले भी देता हूं ताकि आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं इस हदीस से मालूम होता है कि बंदे से अल्लाह की डिमांड क्या है बंदे से मुतालबा क्या है कि क्या वो हुकूमत कायम करने के लिए दौड़े या वो जिंदगी भर शिर से बच के अल्लाह की इबादत का एहतमाम करे अफराद का महासभा होगा और हर फर्द से मुतालबा अल्लाह का ये है बुनियादी मुतालबा यह है कि वो शिरक पर ना मरे वो तोहीद पर मरे तो क्यामत के दिन उससे कहा जाएगा तो इससे कम का मुतालबा था इतना करता छोड़ जाता जहन्नम से लेकिन आप देखेंगे कि जब सियासत जहन में होती है तो मुतालबात बदल जाते हैं इस फिक्र के हामिलीन जिनका कहना है कि भाई असल मकसद मुसलमानों का हुकूमत हासिल करना है सैयद अबुल आला मौदूदी इस फिक्र के बुनियादी समझ लीजिए पायनियर्स में से हैं। उन्होंने ये फिक्र पेश किया कि सारी उम्मत का बल्कि हर मुसलमान का मकसद ये है कि वो इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दे और दूसरे हुक्मरानों को हटाएं अच्छे हुक्मरानों को लाने की कोशिश करें। उन्होंने पूरी उम्मत के लिए भी और फर्द के लिए भी एज अ गोल इसको पेश किया कि हुकूमत बुरी हुकूमत हटाना अच्छी हुकूमत लाना यानी हुकूमत से कश्मकश शुरू कर दो यही तुम्हारा मकसद है, इसके बगैर तुम्हारी नजात नहीं है अब क्या हो गया गोल गवर्नमेंट फिर चाहे मस्जिद के डिस्कशन हो चाहे चाय की प्यालियों पर डिस्कशन हो चाहे तन्हाइयों में इंसान का गौर फिक्र हो तागुत का लफ्ज आते ही जिसके जहन में गवर्नमेंट आए हुए इख्वानी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है लफ्ज सुनते ही जिसके जहन में हुकूमत आए कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड है अखवानियत से क्योंकि तागूत का लफ्ज वसी है सिर्फ उसमें हुकूमत नहीं आता है लेकिन एक इंसान की जहन में सिर्फ हुकूमत जब आती है तो इस तरह की असिलाहत शिरक सुनेगा फौरन उसके जहन में तागोती शिरक आएगा हुकूमत वाला शिरक आएगा जब इबादत सुनेगा तो सुनेगा फौरन उसके जहन में तोहहीद हाकिमियत आएगी तोहीद का एक महदूद हिस्सा उसके लिए सबसे अहम हो जाएगा प्रायोरिटीज बदलना दीन के अंदर ये बहुत बड़ी गुमराही है कि जिस चीज को अल्लाह ने सबसे ऊपर रखा है आदमी उसको पीछे करके दूसरे को आगे कर दे इससे बढ़ के ज्यादा खतरनाक चीज क्या हो सकती है तो यहां पर आप देखिए सैयद अबुल आला महदूदी क्या कहते हैं उनकी किताब है तहरीक इस्लामी की अखलाकी बुनियादें सफा नंबर पांच पर कहते हैं हमारी जिद जहद का आखिरी मकसूद क्या है इनकलाब इमामत है इमाम मुसलमानों का होता है उसको रेवोल्यूशन करके उसको हटा देना इनकलाब इमामत है हमारी मकसद जिद जहद का क्या है आखिरी मकसद हमारा ही है फाइनल गोल डेस्टिनेशन हमारा ये है यहां तक हमको पहुंचना है यानी दुनिया में हम जिस इंतहाई मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वो ये है कि फुसाक व फुजार की इमामत व क़ियादत को ख़त्म होकर इमामत साल का निज़ाम कायम हो इन आखिरी हद जिसको हम पहुंचना मंजिल तक हमको पहुंचने वो क्या है फासिक फाजिर जो हाकिम हैं वो हट जाएं और उनकी जगह नेक लोग मुसलमानों के हाकिम बन जाए ये हमारा लाइफ का गोल है सारी उम्मत को पूरी कौम को मुसलमानों को उन्होंने ये मकसद दिया इसी तरह से उसी किताब खिता, में कहते हैं वो खिताब है असल में उनका उसमें सफ़ा नंबर नौ पे कहते हैं दीन में इमामत साल के क्याम नेक हाकिम को कायम करना और निज़ाम हक की इकामत हक वाले निज़ाम को कायम करना को मकसदी अहमियत हासिल है यानी क्या है इसकी अहमियत कैसी है कि ये मकसद है मुसलमानों का मकसद ही अहमियत हासिल है और देखिए क्या कहते हैं कहते हैं और इस चीज से गफलत बरतने के बाद कोई अमल ऐसा नहीं हो सकता है जिससे इंसान अल्लाह ताला की रजा को पहुंच सके आप चाहे नमाज पढ़ो रोजा रखो आप हज करो चाहे कुछ भी आप कर लो कितने भी नेक बन जाओ अगर आपने गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश में साथ नहीं दिया बुरी गवर्नमेंट को हटा के अच्छी गवर्नमेंट को लाने में अगर आपने कोशिश नहीं की आप से अल्लाह कभी राजी नहीं होगा क्या कह रहे हैं कि और इस चीज से अभी नहीं की गफलत बरतने पे ये सजा है क्या है इस चीज से गफलत बरतने के बाद कोई अमल ऐसा नहीं हो सकता जिससे इंसान अल्लाह ताला की रिजा को पहुंच सके यानी इस गोल से गफलत आपने क्या गुना आप कहा बस ध्यान नहीं दे रहे आप तो उसकी सजा क्या है कोई भी अमल आप कर लो अल्लाह को राजी नहीं कर सकते आप कौन बताया ये कुरान में है हदीस में है कहां से लाए आप ये जो जहन में बैठ गया एक मरतबा कि हमारी जिंदगी का बेसिक और प्राइमरी गोल ये है कि हम इनकलाब इमामत या इनकलाब हुकूमत करें यही हमारा टारगेट है और बाकी सारी चीजें करके भी अल्लाह को राजी नहीं कर सकते तो बाकी चीजें सब क्या हो गई सेकेंडरी हो गई हैं सब जिमनी एक्स्ट्रा चीजें हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बल्कि जो मकसद असल था इबादत आप देखें मैं कहां जा रहा हूं असल जो मकसद था कि अल्लाह की इबादत की जाए वो इबादत भी ट्रेनिंग कोर्स बन गया क्या कहते हैं उनकी एक किताब है खुद मशहूर किताब है उसमें कहते हैं ये नमाज और रोजा और ये जक़ात और हज दरअसल इसी तैयारी और तरबियत के लिए हैं जिस तरह तमाम दुनिया की सल्तनतें गवर्नमेंट्स अपनी फौज पुलिस और सिविल सर्विस के लिए आदमियों को पहले ख़ास किस्म की ट्रेनिंग देती हैं फिर इससे इस काम लेती हैं फिर उससे काम लेती हैं इसी तरह अल्लाह का दीन इस्लाम भी उन तमाम आदमियों को जो इसकी मुलाजमत में भर्ती हों पहले खास तरीके से तरबियत देता है फिर उनसे जिहाद और हुत इलाही की खिदमत लेना चाहता है मतलब इस्लाम में आने का मतलब क्या है अल्लाह की नउज बिल्ला गोया की कंपनी में भर्ती हो रहे हैं हम लोग ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि देखिए कहते हैं कि ये नमाज और रोजा और ये जक़त और हज दरअसल इसी तैयारी कौन सी तैयारी मुजाहिद की ट्रेनिंग है ये कि उसको गवर्नमेंट कायम करने के लिए कि जंग करनी मुसलसल है। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए नमाज है उसकी ट्रेनिंग के लिए परेड की तरह है उसकी ट्रेनिंग के लिए रोजा है उसकी ट्रेनिंग के लिए हज है उसकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग Actually, ये ये कोर्स है है एक्चुअल गोल और तो बस ट्रेनिंग है तो जैसे ट्रेनिंग असल किसी और चीज के लिए होती है तो वैसे ये सारी चीजें क्या हैं ट्रेनिंग है तो असल जो चीज मकसूद थी उसको क्या बना दिया ट्रेनिंग कोर्स बना दिया और एकामत और क्या कहते हैं कि जिस तरह दुनिया की तमाम सल्तनतें अपनी फौज और पुलिस और सिविल सर्विस के लिए आदमियों को पहले खास किस्म की ट्रेनिंग देती हैं और फिर इस काम इससे काम लेती हैं इसी तरह अल्लाह का दीन भी उन तमाम आदमियों को जो उसकी मुलाजमत में भरती हूँ कितनी घटिया ताबीर है ये क्या एक इंसान का इस्लाम में आना किसी जॉब पर आना है मुलाजमत के लिए आया हुआ है क्या काम है बताओ अभी मैं आया हूँ तनख्वाह कितनी मिलेगी भाई ये ताल्लुक है बंदे का और अल्लाह का कि एक मालिक है बस उसके यहाँ जॉब पे है वो क्या बंदे का अल्लाह ताला से कल ताल्लुक नहीं है कि उसकी मोहब्बतें उसका खौफ उसकी उम्मीदें सब अल्लाह से बंधी हुई है। हैं वो जो ताल्लुक अल्लाह से बंदे का जो ताल्लुक है इसमें उसके उसका कहीं कुछ जिक्र नहीं है बल्कि ये ताल्लुक ऐसा है जैसा इस्लाम में भर्ती हो गया है और जॉब पे आया है और नौकरी कर रहा है तो हर मुसलमान क्या है अल्लाह की नौकरी कर रहा है तो कहते हैं कि इसी तरह अल्लाह का दीन इस्लाम भी उन तमाम आदमियों को जो उसकी मुलाजमत में भर्ती हों पहले खास तरीके से तरबियत देता है फिर उनसे जिहाद और हुकूमत इलाही की खिदमत लेना चाहता है अच्छी तरह से ट्रेन हो जाओ नमाज रोजा रखे और फिर तुमको एक बड़ा काम करना है क्या करना है जिहाद करना है और चलाना है तो असल गोल वो है ये नहीं ये तो ट्रेनिंग कोर्स है जबकि यही असल है असल क्या है क्योंकि कितने नबी हैं जिनको हुकूमत का मौका ही नहीं मिला बाज नबी ऐसे हैं जो अकेले आए और अकेले ही दुनिया से गए उनके साथ कोई नहीं था मशहूर हदीस इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ने की मैंने देखा कि कोई नबी उसके साथ एक है किसी के साथ दो है किसी के साथ कोई भी नहीं तो तो हमेशा ट्रेनिंग में ही रहे असल गोल को मतलब मकसूद मिला ही नहीं उनको तो ट्रेनिंग ही करते रहे वो लोग क्योंकि सारे नबियों के लिए नमाज थी सारे नबियों के लिए इबादत थी अल्लाह की तो इबादत गोया कि ट्रेनिंग में ही जिंदगी चली गई उनकी बिल्ला असल मकसूद ये है असल मकसूद असल मकसूद अल्लाह की इबादत है इसको हम आगे भी देखेंगे इन शाह तो खुदबात में सफा नंबर दो सो चौसठ और पैंसठ पे उन्होंने बात कही है اسكيلي آیت پیش کی جاتي اقامة الدين هما ہمارا مقصود ہے قران کیا فرمایا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصى به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. سورة الشورى آیت نمبر 13. अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकरर किया है जो उसने नूह अलैहिस्सलाम सलाम के लिए मुकरर किया था कोई नया दीन नहीं इस्लाम बल्कि पहले रसूल कौन थे पहले नबी तो आदम सलाम थे पहले रसूल कौन थे नू अलैहिस्सलाम। तो नू अलैहिस्सलाम को जो दीन अल्लाह ने दिया था वही आपको दिया है नबी औहयना इलैक

इकामत दीन का हुकुम दिया था इनमें से मूसा सलाम को छोड़ के किसकी हुकूमत कायम हुई मूसा सलाम हाकिम के तौर पर भी थे नबी भी थे और यूसुफ सलाम थे और दाऊद सलाम थे और सुलेमान सलाम थे बाकी इब्राहिम सलाम की थी हुकूमत कहीं ईसा सलाम की थी हुकूमत कहीं आप गौर करें और उसके भी बारे में आगे हम गुफ्तु करेंगे इनशाला कहा के अनअकीम्दीन वक़ुबी खबरा मशरक मद मशरकिन पर वह बहुत भा व वो बात बहुत भारी है जिसकी तरफ अनबी आप लोगों को बुलाते हो तोहीद की दावत मशरकिन पर बहुत भारी है अल्लाही इलाम या शाह अल्लाह अपनी तरफ जिसको चाहता है चुन लेता है अपनी तरफ बढ़ने के लिए अल्लाह तिसको चाहता है चुन लेता है व यह दी इलाम युनीब और अल्लाह त हर ऐसे शख्स को हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ रजू करता है अल्लाह की तरफ मुतव होता है जिसमें तलब होती है उसको हिदायत मिलती है इस आयत में अल्लाह रबालमी ने इकामत दीन का जिक्र किया है बहुत से लोगों का कहना है कि अब तौहीद की दावत आप दे रहे ना अब अब इकामत दीन की बात करो आप उनके नजदीक इकामत दीन का यही तस्वूर है जो सद अब आला मौदूदी ने पेश किया पहले उनके यहां जो लफ्ज इस्तेमाल होता था हुकूमत इलाहिया का इलाम बाद में क्या हुआ मालूम नहीं उसको चेंज किया गया और उसकी जगह क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया इकामत दीन उन्होंने कहा भी इस तरह से कि पहले हम लोग ये कहते थे हुकूमत इलाहिया का क्याम हमारा मकसद है अब हम ये कह रहे हैं कि किमत दीन हमारा मकसद है बेसिकली टर्मिनोलॉजी बदल गई लेकिन गोल अपनी जगह बाकी रहा तो इकामत दीन का तस्वुर उनके यहां ये है कि हम इस्लामी निजाम को नाफिज करें जाहिर बात है कि जहां नहीं अब क्या करेंगे फिर इसको हटाना पड़ेगा भाई कुर्सी पे कोई बैठा हुआ है आपको किसी और को नेक आदमी को बिठाना है आप क्या करेंगे हट भाई चल हट जा दूसरे को बिठाना है मौल साहब को बिठाना है यहाँ पे कोई फाज फाजर बैठा हुआ कुर्सी के ऊपर उसको हटाओ नेक को बिठाओ लेकिन उसको हटाना आसान है बोले अच्छा अच्छी बात है मैं हटता हूँ आपके लिए आइए बैठिए होता ऐसा नहीं उसके हाथ में डंडा है अब क्या होगा अब आपको भी क्या करना पड़ेगा उससे पहले लड़ना पड़ेगा उससे लड़ने के बाद ही आप नेक को उधर बिठा सकते हो तो डायरेक्टली गोल क्या हो गया हुकूमतों से लड़ना सारी उम्मतों को काम पे लगा दिया सारे मुल्कों में मुसलमानों को लगा इनकलाब लाना है हमको इनको हटाना है इनको हटा के क्या करना है नेक लोगों को लाना है इनकी जगह होता ऐसा नहीं होता उल्टा होता है बुरे जाते उनसे बुरे आते हैं जितने वसायल थे वो भी तबाह हो जाते हैं लोग खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं दवाओं के लिए मोहताज हो जाते हैं कपड़ों के लिए मोहताज हो जाते हैं घर टूट के खंडर हो जाते हैं कितने मुल्कों का हाल ऐसा हुआ इनकलाब इनकलाब लाना है इस खाब की हैसियत ख्वाब ही की है ये कभी ख्वाब सच्चा साबित नहीं हुआ जिन लोगों ने इसको बुनियाद बना के काम किया बताइए तो कहा कि हमारा मकसूद ये इकामत दीन है लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि क्या अहल हदीस की दावत इकामत दीन की नहीं तो सारे नबियों के लिए अल्लाह का हुक्म है और खुद नबी सल्लाह को भी है तो इकामत दीन का मतलब क्या है काश की इसकी तफसीर देखी जाती इकामत दीन के ताल्लुक से सबसे पहले यह जानना जरूरी कि दीन क्या है और दीन की बुनियादे क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और मारूफ मशहूर हदीसे आप फरमाते हैं बोनी इस्लाम, इस्लाम की इस्लाम दीन है हमारा इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है सबसे पहली चीज क्या है हुकूमत इलाहिया का क्याम सही नहीं नहीं मालूम आप लोग हाँ? हाँ। सबसे पहली चीज क्या है जब हम दीन कायम करना चाह रहे हैं इकामत दीन जरूरी है कि नहीं फर्ज है ये तो हम भी मान रहे हैं अल्लाह ने सारे नबियों को हुक्म दियान सारे नबी को सलाम से हुक्म है कि दीन कायम करो तो दीन कायम करने में दीन की शुरुआत इस्लाम दीन में आता है कोई तो कैसा आता मैं इस्लामी गवर्नमेंट के लिए वचन देता हूं हाँ कि मैं उसके लिए स्ट्रगल करता रहूंगा करता है इस्लाम में दीन में जो आ रहा है दीन की बुनियाद किन चीजों पर है सबसे पहली चीज किसको जिक्र किया आपने? आपने फरमाया, शहादत अन्न दीन की बुनियाद पांच चीजों पर है सबसे पहली चीज क्या है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह की सिवा कोई इबादत के लायक नहीं हकीकी मबूद सिर्फ अल्लाह और मुहम्मद अल्लाह के रसूल है फिर उसके बाद उसके बाद आएगा ना हुकूमत कायम करना नहीं उसके बाद क्या है ट्रेनिंग तो फी नफसी ही दीन है जिस दीन को आपको कायम करना है उसका हिस्सा ये ट्रेनिंग नहीं है ये फी नफसी ही दीन है ये मतलूब व मकसूद है क्या कहा व इकाम सलात व ईता इज़कात व हज व तौहीद और रिसालत के इकरार और गवाही के बाद क्या है नमाज कायम करना जक़ात अदा करना हज करना और रमज़ान के रोजे रखना बाज़ रिवायतों में तकदीम ताक़ीर है रमज़ान के रोजे रखना और हज करना ये पांच चीज़ें दीन हैं बल्कि सिर्फ दीन नहीं भाई मिसवाक करना भी तो दीन है ना लेकिन ये पाँच चीज़ें क्या हैं बुनी इस्लाम वाला कम्स इस्लाम की बुनियाद इस पर है इनमें से एक को भी हटा दिया जाए इस्लाम की बुनियादें बिगड़ जाएंगी किसी की जिंदगी में इस्लाम कायम नहीं है अगर ये कायम नहीं है तो तो मालूम है कि अकामत दीन के लिए इनको कायम करना पड़ेगा तभी तो दीन कायम होगा फिर जिंदगी में तोहहीद सबसे पहले आना चाहिए जिंदगी में मोहम्मद अरबी अलैहि वसल्लम की रिसालत का अकरार सिर्फ जुबानी नहीं जिंदगी में सुन्नतों का दवा जिंदगी में आना चाहिए की दावत क्या है आज पूरी दुनिया में जितने लोग काम कर रहे हैं हर एक का अपना अपना एक उसूल और कायदा है दुनिया में आप देखें सबसे ज्यादा शिरक के खिलाफ बोलने वाला और बिदात के खिलाफ बोलने वाला तोहहीद की खुल के साफ सुथरी दावत देने वाला और बिदात की बजाय सुन्नत को रिवाज देने वाला और नबी वसल्लम की अहादीस को आम करने है। कौन है, है कोई दिखाई देता आपको बहुत से लोग जो बेचारे अकात दीन की बात करते हैं जब उनके मसाइल आते हैं मिराज के हाँ तहारत के भी बाज़ात तो नमाज के इसके उसके जितने भी मसाइल आते हैं जनाजे के मसाइल आते हैं निकाह के तलाक के कौन से आलिम के पास जाते हैं वही जो बेचारा हाँ एक दीन की कोशिश नहीं कर रहा है ना उससे पूछना पड़ता है क्यों इसलिए कि सुन्नत का इल्म उसके पास है सुन्नत का इल्म उसके पास है सब इसके बगैर दीन कायम हो ही नहीं सकता है शहादतें जो बुनियाद और असल है जिसमें दो चीजों का जवाब है अशहद्ल इसमें जवाब इस सवाल का इबादत किसकी करना है भाई तो इसमें जवाब है उसका इबादत सिर्फ अल्लाह की करना वो अशहद मोहम्मद रसूल इबादत करना किसके तरीके पे करना दूसरे इसमें जवाब है उसका कि इबादत ज़िंदगी का मकसद इबादत अल्लाह की और उस इबादत में तरीक़ा महमदर रसूल सल सल्ला वम का ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई महमद अरबी सल्लम की है इसके बग़ैर इसकी मारफ़त के बगैर इसकी तरवीज के बगैर इसकी तफ़ीम के बगैर आप दिन कर सकते और जो आदमी ये कर रहा है जो उलमा ये कर रहे हैं जो दुआत ये कर रहे हैं आप उनको बोल रहे आप ये क्या लगा है और और सुन्नत और बिदात के खिलाफ आप बोल रहे हैं और फलां चीज़ के खिलाफ आप बोल रहे हैं आप ये क्या काम कर रहे हैं असल काम क्या है इकामत दीन इसके बगैर इकामत दीन हो सकता है तोहैद और इतबा के बग़ैर इकामत दीन का तस्वर बेवकूफ़ी और जहालत है हो ही नहीं सकता है जिसको अल्लाह के रसूल सल्ला ने दीन की बुनियादों में मुकदम रखा पांच चीजें बयान की उनमें सबसे टॉप पे रखा और फिर नमाज है फिर जक़ात है फिर हज है फिर रोज़ा है ये इबादत है इस्लाम की बुनियादें हैं लेकिन इन्होंने क्या कर दिया इसको ये मुजाहिद की ट्रेनिंग कोर्स है भाई ये ट्रेनिंग कोर्स है ये इतनी बड़ी गलती है जिसके नतीजे में एक ऐसी कॉम तैयार हो गई जिसके नजदीक असल तकरब का जरिया जो है गवर्नमेंट्स के मामला पर डिस्कशन करना ज्यादा है इबादत उतना जरूरी इतना नहीं है हदीस सुनना तो ये नहीं यहाँ तक कि नतीजा पैदा हुआ कि वो इनकार हदीस तक भी लोग चले गए और इनकार का छोटा भाई कौन है तविल जो खुल्लम खुल्ला इंकार नहीं कर पाता कि इस हदीस का वो मतलब नहीं है वो मतलब है जो मैं समझा है क्योंकि अपने तौर पर जो चाहे आदमी बोल सकता है क्योंकि उसको वो मानना नहीं जो हदीस में है तो या तो इनकार या तवीलात और फलसफों की जद में हदीसें आ गई बल्कि कुरान भी बल्कि कुरान भी तो ये जो मुसीबत है इसको सबसे पहले समझना चाहिए कि एकामत दीन क्या है तो पहले दीन क्या है हमको मालूम होना चाहिए उसके बाद आप देखिए इकामत दीन क्या है एकामत दीन, दीन के बारे में आप देखें के इब्न जौजी रम फरमाते हैं कल सुलेमान कहते हैं अन अकीम यानी यानीहीद अल्लाह ने क्या फरमाया दीन कायम करो कहते हैं, यानी मतलब क्या है इसका यानी तोहद को कायम करो दीन को कायम करो का मतलब तोहीद को कायम करो तो जो आदमी तोहीद की दाव दे रहा है क्या वो अकामत दीन की कोशिश नहीं कर रहा है वो सबसे ज्यादा अकामत दीन की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके बगैर दीन का तस्वर और वजूद ही नहीं है उसके बगैर दीन का वजूद ही नहीं अगर तो ही नहीं तो दीन ही नहीं है लकुम दीन उकुम वाली दीन किसके लिए कहा गया जो शिरक करने वाले हैं कुलिया आबुद मा आबिद आखिर में क्या कहा गया तुम्हारे तुम्हारा दीन हमारे हमारा दीन यानी उसके पास दीन ही नहीं अगर वो शिरक करता है तो उसके पास वो दीन नहीं जो अल्लाह वाला दीन है अल्लाह वाले दीन के लिए तोहैद जरूरी है उसके बगैर दीन ही नहीं है वो किसी और दीन पर है वो अपने बनाए हुए खुद साख्ता दीन पर है जो अल्लाह के मकबूल नहीं है कहा इबन कहते हैं, अपनी तफसीर, तफसीर कहात है दीन का मतलब क्या है कहते हैं अल्लाह की तोहद का इकरार करना और तोहीद के सिवा जितनी चीजें हैं सबको उनको इनकार कर देना कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया फमय फुरब तागुत ही वयुम बिल्ला फ़कद इस्तम से لها तो जिसने तागूत का जिसने यानी तागूत का इनकार किया फमैय फुरबि तागोत वही बिल्ला और अल्लाह पर ईमान लाया उसने एक मजबूत कड़े को थाम लिया है रस्सी को थाम लिया है पकड़ लिया है जो कभी टूटने वाला नहीं है तो मालूम है कि अल्लाह की तोहद का इकरार करना और अल्लाह के माँ सिवा जिनकी इबादत की जाती है उनका इनकार करना ये असल अकामत दीन है यही वो दावत है जिसको लेके नबी आते हैं तो ये ये बुनियाद है और कई मुफसरीन के अकवाल इसमें जिक्र किए जा सकते हैं लेकिन ये मैंने बतौर मिसाल जिक्र किए मुफसरीन नेकामत दीन का मतलब ये बताया है। कि जिसमें बुनियादी तौर पर तोहद है मिसाल के तौर पर आप देखिए जो लोग कहते हैं क्या दीन हमको करना चाहिए वो कहते हैं, हम भी तो बोल रहे हैं तो लेकिन उनके पास तोहीद क्या है बोलते हैं। आप लोग तोहद हाकिमियत पर नहीं बोलते हैं। असल मकसद ये है कि इस्लामी हुकूमत कायम हो और तागुती की हुकूमतें हटें अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त अल्लाह के रसूल वसल्लम की फ़िक्र क्या थी आप गौर करें आज लोग जैसे कोई आलिम है मिंबर पर कह रहा भाई कब्रों की पूजा मत करो कब्रों के आगे मत झुको उनसे दुआ मत करो उनको दस्तगीर मत मानो उनको फुला फुलामत मा, मा, मानो ये कौन सी शिरक में पड़े हैं आप लोग असल शिरक ये जो हुकूमत वाला शिरक है आप लोगों की निगाहों से ओझल हो गया है इसके लिए कोशिश करना चाहिए इसके मिटाने के लिए आप लोग छोटी चीज में लगे हुए हो अल्लाह के नबी वसल्लम से ज्यादा अकल है तुझको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वक्त में फ़िक्र क्या थी आइए देखते हैं क्या है आयशा रदी अल्लाह तह और अब्बास रदी अल्लाह तुम से रिवायत है कहते हैं लम्मा नज़ल रसूल सल्ला तफ़िकमी सतव ही है जब अल्लाह के रसूल सल्लाम की वफ़ात का वक्त आया तो आप अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लेते थे अपनी चादर या कपड़ा जो आपके पास था मुंह धा, चेहरा ढांप लेते थे उससे जब आपको अंदर घुटन महसूस होती तो आप फिर चेहरे से वो कपड़ा हटा देते चादर हटा देते वह और आप इसी हाल में थे कि आप ये कह रहे थे क्या कह रहे थे आप कह रहे थे अल्लाह की लानत हो यहूद नसारा पर उन्होंने अपने नबियों की कबरों को सदगाह बना लिया फरमाती हैं युहदिरऊ आप इस उम्मत को उनके इस अमल से डरा रहे थे वार्न कर रहे थे देखो उन्होंने ऐसा कहा तुम मत करना ऐसा और कहती हैं कि हल्ताशा रदी अल्लाह फरमाती हैं लिखा लिजा قبره". खश याद मस्जिदन अगर ये बात नहीं होती यानी आपकी कब्र को सद्दागा बनाने का खौफ नहीं होता तो आपकी कब्र भी आम तौर से कब्रस्तान में खुलेआम रखी जाती जैसे दूसरी कब्रें होती हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर था कि कहीं इसे भी लोग सद्दागाह न बना लें आखिरी इस, इस हदीस को इमाम बुखारी ने मगाजी में हदीस नंबर चार हजार चार सौ तिरालीस और इमाम मुस्लिम ने अल-मसाजिद इसको मवाद किया है आप देखिए आखिरी वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र ये थी कि उम्मत कब्र परस्ती में मुबतला ना हो और आज कब्र परस्ती के खिलाफ बोलने वाला कौन है भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते थे कि हम ज्यादा हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फिक्र थी आखिर जबकि आप देखेंगे मदीना में ऐसा है नहीं था मदीना में ऐसा किसी की कबर पर जाके कोई दरगाह न्याज वगैरह करते थे नहीं कुछ भी नहीं होता था उस वक्त नहीं था लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे पिछली उम्मतों का बिगाड़ कहाँ से आया यहूद नसारा की मिसाल आपके सामने थी अल्लाह की तरफ से दीवी हमत और बसीरत आपके पास थी आपने उम्मत को अपने आखिरी दिनों में किस चीज से डराया कब्र परस्ती हम छोड़ दें उसको और दूसरी चीजों में लग जाए जो लोग इकामत दीन की बात करते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कबर परस्ती के बारे में बोले छोटी चीजें बड़ी चीज के बारे में बात करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप जिस चीज के बारे में बात करें वही तो बड़ी है और क्या आज हमने अपनी निगाहों से आंखों से नहीं देखा चाहे हमारा मुल्क हो पड़ोस का मुल्क हो और दूसरे मुल्क हो बल्कि आप देखेंगे कि मक्का में यह हाल हो गया था अरब में यह हाल हो गया था कि लोग पेड़ों को और न जाने कितनी चीजों को पूजने लग गए थे हुआ था कि नहीं हुआ था फिर उसको साफ किया गया वहां से वो सारे मबाह खत्म किए गए तो क्या यह नहीं आएगा उम्मत में यह आएगा उम्मत में और हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कितना है यह इसको हम छोड़ दो और हुकूमत को हटाने के काम में लग जाओ नेक हुकूमत आएगी पाक हुकूमत आएगी तो सब सही हो जाएगा बहुत से लोग जो कहते हैं हमको बातिल हुकूमतों के खिलाफ टकराने के लिए ताकत लगानी चाहिए उसको अब खाल इतना बोलो वो फुलानी दरगाह जो है ना वो भी तो शिरक है ना तो हम एक काम करते हैं पहले गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी चीज है उसके पास फौज है इनके पास फौज है नहीं है जरा उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं ताबत में ये भी आता कि नहीं आता आता ना छोटा मोटा कहीं कोने में तो आएगा ना एक काम करते हैं जाके हम वहां बहादुरी अपनी दिखाते आएगा वो उसको उसकी फिक्र ही नहीं है उसको उसकी फिक्र नहीं है वो अपनी बस्ती में पड़ोस में शिरक होता हुआ देखेगा लेकिन उसको उसके बारे में वो फिक्र नहीं होगी जो सियासी शिरक को खत्म करने की फिक्र होगी ये कौन सा दीन है भाई फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में आपने हुकूमती शिरक के बारे में क्यों नहीं डराया मुसलमानों को आप कब्र वाले शिरक से क्यों डरा रहे हैं क्योंकि यही वो खतरनाक चीजें बाद में भी उम्मत में रहेगी आएगी शैतान लाएगा इसको और कियामत के करीब भी होगा जैसा कि हदीस में आया है तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वक्त में फिक्र ये थी कि कहीं उम्मत कबर परस्ती में मुबतला न हो जाए लिहाजा मुसलमानों की खास जिम्मेदारी है कि नबी करीम सल्लाह की उस आखिरी वक्त की फिक्र को अपनी फिक्र बनाए और उम्मत में हमेशा इस बात का ध्यान दें कि कबर परस्ती न रहे नबी की फिक्र को अपनी फिक्र नहीं बनाना चाहिए इससे बढ़कर के इंसान के लिए क्या होगी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र को अपनी फिक्र बनाए आपने क्या फरमाया अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुल हादिहि सबीली अदउ इला अल्लाह अला बसीरति अना व मन तबअनी व सुभान अल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकिन ऐ नबी आप कहिए अलानिया तौर पर लोगों को बताइए हादिहि सबीली ये मेरा रास्ता है इल्लाह। मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं एक अल्लाह की इबादत की तरफ अल्लाह की तोहिद की तरफ बुलाता हूं अला बसीरतिन बसीरत के साथ दलील और बुरहान के साथ अन भी और मेरी पैरवी करने वाले भी बसीरत के साथ तोहेद की तरफ बुलाते हैं वह सुबह मुशर और अल्लाह ताला हर किस्म की शर्क से पाक है और मैं मुशर्किन में से नहीं हूं मालूम कि नबी करीम अलैहि वसल्लम का दायमी वजीफा ये था कि लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और आपकी कमाल दर्जे में इतबा करने वालों का भी यही दायमी वजीफा है कि वह दलाइल के साथ लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दें अल्लाह की तोहिद की दावत दें यह कहा मुसलमानों का है आपकी इतबा करने वाले का ये काम है क्या मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूं क्या कहा मेरा मुस्तकिल काम यह है मैं हुकूमतों से लड़ता हूं क्या मुसलमानों को की ताकत है इतनी जान माल का नुकसान जेलों में मुसलमानों का पड़ा रहना फिर टिफिन लेके भी नहीं जाता उसके साथ बैठ के डिस्कशन करने वाला जब किसी एक को पकड़ के कोई ले जाए पुलिस ले जाए तो उसके घर पे जाके भी नहीं पूछता कि तुम्हारा क्या हाल है गया तो इसको भी उठाएंगे कहां गई तेरी बहादुरी कहां गई तेरी वफादारी कहां गई तेरी इस्लाम की इकामत और दीन की इकामत का जज्बा कहां गया छुपते छुपाते फिरना ये बहादुरी तुम्हारी पूरी उम्मत को बहादुर बना के खुद बुजदिल बनते हो ये तरीका मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं है अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि किसी मुसलमान के लिए मोमिन के लिए मुनासिब नहीं कि, आप मुनासिब नहीं कि, आप नहीं कि अपने आप को जलील करे मुनासि आपने फरमाया निपटने के लिए खड़ा हो जाए जिससे निपटने की उसमें ताकत ना हो अल्लाह के नबी सला के की रहनुमाई से निकलकर अपने फलसफे को अपने लिए इंजन बनाना खाई में ले जाता है खाई में ले जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं रसुल अमर अल इस्लाम व आमूद हु अस्सलाह व ज़िरवतु सनामी अल जिहाद आपने कहा कि इस्लाम की रस असल बुनियाद क्या है यानी दीन की बुनियाद क्या है इस्लाम और नमाज इसका सुतून है असला तो अहमदुद्दीन जई फरीस है लेकिन वह हु असला दीन का सुतून नमाज है जिस पर दीन कायम है क्या नमाज सही करो नमाज सही करो हुकूमत सही करो तेरी नमाज सही नहीं तो हुकूमत सही करेगा तो हाकिम को बोलने जा रहा ये मत करो वो मत करो वो मत करो बीवी को बोलने की ताकत है चुपचाप अपना काम करो बीवी को बोलने की ताकत नहीं है बेटे को नमाज को उठाने की ताकत नहीं तेरे अंदर जवान है वो बोल तो उल्टा ही करता लात मारता उठाने के तो जवान हो गया है जिम जाता है वो अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ सुनता नहीं मेरी तेरा बेटा तेरी नहीं सुन रहा बादशाह सुनेगा तेरी सोचने की चीज है कॉमन सेंस है अकल इंसान को होना चाहिए जहां तेरी हुकूमत है वहां तेरी नहीं चलती जहाँ नहीं वहां चलाने की कोशिश कर रहा क्या होगा नतीजा निकलेगा नहीं उल्टा नतीजा निकलेगा तो उम्मत को खड़ा कर रहा है इस तरह से उम्मत की जान और माल का नुकसान होगा जिम्मेदार तू होगा जिम्मेदार तू होगा। तो कहा कि दीन की असल इस्लाम है एक इस्लाम के माना क्या हम देखेंगे दो वमूद और दीन का सुतून नमाज है जिसपे दीन कायम है और कहा व तो ही अलजिहाद और इस दीन की चोटी जैसे ऊंट की कोहान होती है ऊपरी हिस्सा ये जिहाद है जियाद को कितने नंबर पे रखा अब ये क्या कर रहा खींच के के लार नमाज़ पहले अल्लाह नबी अलैहि वसल्लम ये तिरमिजी की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु दूसरी हदीस में फरमाते हैं जो कहा ना कि इस दीन की असल इस्लाम है तो इस्लाम से मुराद क्या है आपने फरमाया इस दीन की असल यह है कि तू इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं वो एकता है उसका कोई शरीक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं ये दीन की असल है बुनियाद है इसके बगैर दीन का वजूद नहीं इसके बगैर दीन का जिहाद को कहाँ डाला नंबर तीन पे उससे पहले क्या आ रहा नमाज तो नमाज का मुजाहिद नहीं है तो मुआजिन की पुकार पे आने की हिम्मत तेरे अंदर नहीं है और तू तो जिहाद की पुकार पे जाएगा जाएगा नहीं जाएगा बहुत से बहादुर सिर्फ जुबान के बहादुर होते हैं हकीकत में बहादुर नहीं होते हैं जब वक्त आता है दाढ़ी भी गायब हो जाती है है कि नहीं है हाँ बहादुर इतनी कि यानी अपने आप को ही आदमी बदल दे दुनिया को बदलने वाला क्या हो गया पूरी दुनिया को बदल दूंगा अच्छी बात है खुद को ही बदल दिया उसने पहचानना नहीं मेरे को कोई ऐसी बहादुरी काम की नहीं है अल्लाह हिफाजत करे देखिए वो भी हमारे भाई हैं अल्लाह ताला उनको समझते हैं कभी कभी कड़वा बोलना पड़ता है क्योंकि कड़वी बात ज्यादा याद रहती है मीठी बात आदमी बोले अच्छी बात है हाँ बहुत प्यारी बात है कड़वा बोले ना चुपता चुपता याद रहता याद रहता आदमी को इसलिए कभी ऐसा भी बोलना चाहिए अगर जिहाद भी आदमी करता है लेकिन उसका तजिक नफ्स नहीं हुआ उसकी तोहिद सही नहीं है

लेकिन थोड़ा सा फेमस भी होना चाहिए वो जिक्र भी चाहिए उसको मेरा नाम को अजर भी मिले मतलब ये भी मिले वो भी मिले कि अल्लाह के यहां अल्ला जो अजर है वो भी चाहिए ऐसा नहीं कि खाली दुनिया चाहिए भाई सिर्फ सेल्फी वाला नहीं है आजकल हम लोग क्या हो गए हैं सेल्फी वाले हो गए हर चीज में सेल्फी हज कर रहा सेल्फी उमरा कर रहा सेल्फी हाँ किसी को एक अंडा दे रहा वो भी सेल्फी खल के काम कर नहीं इखलास इखलास तोहहीद की असल है तोहीद की तोहहीद अखलास है कहा कि वो अजर भी चाहता है और नाम भी चाहता है मा हो क्या मिलेगा उसको फकाल रसूल लाश कुछ नहीं मिलेगा उसको अल्लाह के पास उसको कुछ मिलने वाला नहीं फला तीन बार उस आदमी ने वही सवाल दोहराया वहीकुल रसूल और आप यही जवाब देते दे दे, कुछ नहीं मिलने वाला उसको उसके बाद आपने फरमाया सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जो अल्लाह के लिए हो जिसमें अल्लाह की रवा मतलूब हो अल्लाह के दीदार की चाहत हो

अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिश करते हुए अपनी इबादत को अल्लाह के लिए खालिश करते हुए मालूम है कि इबादत कैसे करना है खालिश अल्लाह के लिए वरना वो इबादत मकबूल नहीं दीन के लिए तो इकामत दीन के लिए कोशिश कर रहा है तो जिहाद कर रहा है उसमें भी अगर तेरे पास तोहिद नहीं है तोहीद का कमाल नहीं है इखलास तेरे पास नहीं है कुछ मिलने वाला नहीं है लाशाई अलहू इसी तरह से आप फरमाते हैं अबू मूसा मसाशरी रदी अल्लाह की हदीस है جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل رياءا کہا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی ہے جو حمیت کی وجہ سے لڑتا میرا قبیلہ اس کے لیے لڑ رہا ہوں میں حمیت ويقاتل شجاعتا اپنی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے میں بہادر ہوں میرا کام لڑنا ہے یا میری بہادری لوگ دیکھیں اور يقاتل رياءا لوگوں کو دکھاوے کے لڑتا ہے डिस्प्ले के लिए लड़ता है फ़ाई काफ़ी सभी लाला अल्लाह के रसूल इनमें से कौन है जो अल्लाह की राह में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कातून कली मत कली मत ही अलिया फ़ी सभी जो इसलिए लड़ा कि अल्लाह का कलिमा ऊंचा हो वही अल्लाह के रास्ते में है मालूम हुआ कि अल्लाह का कलिमा ऊंचा हो इसके लिए लड़ने वाला अल्लाह की राह में मतलब एक आदमी अगर इखलास वाला नहीं है उसका मकसूद अगर इखलास उसमें नहीं है तो वो अल्लाह के लिए लड़के भी कोच उसको मिलने वाला नहीं है तो कह रहा है क्या लोगों को इसलाह कर रहे हैं तरबियत कर रहे हैं उनको हाँ इखलास बना रहे हैं उनका तस्के अनाउंस कर रहे हैं क्या है हमको बड़ा काम करना है क्या सुधार मुसलमानों में ला रहे आप असल काम छोड़ के आप लग गए मुसलमानों को बनाने में अगर तूने वहां ले गया जंग में ले गया मुसलमान को लेकिन अभी गले में तावीज़ लटका हुआ उसके हैं या वो लड़ रहा है दीन के लिए लेकिन ये भी के अपना भी नाम होना चाहिए अपना हा? अपना भी आना चाहिए मुजाहिद इब्ने मुजाहिद इब्ने मुजाहिद अगर ये है उसको बनाया नहीं तूने सही तो ऐसा आदमी लड़के भी कुछ फायदे का नहीं है तो क्या हम ऐसी कौम बनाना चाहते हैं और ऐसी कौम जिसका जो सही नहीं हुई और इकामत दीन हुकूमत के लिए खड़ी हुई दो मिल के लड़के एक को बाहर फेंकते हैं फिर दोनों एक दूसरे को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं क्यों इसलिए कि अभी इनमें इखलास नहीं आया इनमें इखलास नहीं आया ये हुकूमत के लिए लड़े क्योंकि हुकूमत ही तो चाहिए ना फिर अब ये हुआ कि मैं ज्यादा अच्छा कि तू ज्यादा अच्छा भाई बुरे को तो हटा के फेंके गई हुकूमत अब हम दोनों उठा के फेंके दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो हम दोस्त अब तक तो थे वॉक विद दे यू क्रॉस अब दोनों मिलके उसको बुरे को तो निकाले लेकिन अब हम दोनों अच्छे लेकिन ज्यादा मैं अच्छा हूं ज्यादा अच्छा कौन है मैं तू नहीं तो अब मैं तुझको भी फेंकने की कोशिश करूंगा यही होता है यही होता है कि बाहर के लोगों को भगाते हैं फिर अंदर आपस में लड़ते हैं और लोगों की जान माल का नुकसान होता है क्यों इसलिए कि बने नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते रहे सालों तक बनाते रहे लकद मन अल्लाह फीम रसूल अनफुसिम يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर जब उन्हीं में से उनके दरमियान एक रसूल को मफबूस किया जो उन्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाता है उनके नफ्स का तजकिया करता है और उन्हें किताब हिकमत की तालीम देता है हालांकि इससे पहले इन लोगों का हाल यह था कि खुली घुबराहि में पड़े हुए थे ये जो तजिक नफ्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तब जाके लोग ऐसे बने कि जिन्होंने जिनके कदमों में हुकूमतें आ गई लेकिन उनके कपड़े फिर भी फटे हुए हुआ करते थे है तुमर में खताब रदी अल्लाह तला मेम्बर पर खड़े ताबी कहते मैंने देखा उनको खुदबा दे रहे एक दो तीन चार पांच मैंने कई पैबंद उनके गिने उनके लिबास में पैचेस थे कई कई जगह फटा हुआ था और कहा कुछ तो चमड़ा भी लगा हुआ था कपड़ा नहीं तो क्या सी दिया चमड़ा सी दिया उसमें अबू बैद जरा से क्या कहा था तुमर जब गए बैतुलमकद की चाबियां देने वालों ने कहा कि हम इसको उसको नहीं देंगे तुम्हारे डायरेक्ट हम खलीफा को देंगे अच्छी बात है तुमर अदी अल्लाह तुम्हारा सफर करके गए साथ में साथ में उनके खादिम थे उनके साथ में गए और ऊँटनी भी ऐसी जैसी मुर्दार मरियल कहा कि हम दोनों सवार हो जाएंगे ना इसका दम निकाल देंगे एक काम करेंगे तू कभी सवार है ना कभी मैं पैदल चलूंगा मैं सवार हूँ तू पैदल चलना और सफर तय हुआ करीब पहुंचे तो पानी में से गुजरते वक्त उम्र का चलने का वक्त था बिल्कुल इस तरह से उठा दिया अपना जुब्बा और बिल्कुल जो है पाव गीले इससे बच के चलने लगे पानी में से नहर में से साहबा जो वहां थे देख के बोलने लगे हम भी जल्दी जल्दी गए कहा थोड़े अच्छे कपड़े पहन के चलो ना आप क्योंकि बड़े बड़े लोगों से मिलना है हम लोगों को देखा इनके कपड़े कैसे गर्द गुब्बार में एकदम अटे हुए और ऐसे हाल में बोले चलो जाने का आपको मिलने के लिए चा भी लेना अपनी तुम्हार तो हर तुम्हार थे कहा ऐसा नहीं जा सकते उनके पास हम थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो अच्छा रहेगा जरा कहा अगर तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी नहीं होते तुम्हारे चेहरे का रंग बदल देता अल्लाह की कसम हम जलील थे अल्लाह ताला ने इस इस्लाम के जरिए हमको इज्जत दी अगर हम इसकी बजाय किसी और चीज से इज्जत हासिल करने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला दोबारा हमको ऐसी जलील कर देगा जैसे पहले थे कहा ऐसे लोग ये वो तरबियत थी जो नबी सल अल्लाहम की थी इस तरबियत के नतीजे में तरबियत के बगैर आप लोगों को लगा दिए काम पे हुकूमत के खिलाफ तो लोगों के दिलों में वैसे भी तो कुछ बनने का जज्बा होता है जिसको कहीं कुछ मिलेगा नहीं वो आ जाएगा माले गनीमत के, लिए आएगा, के, लिए आएगा, के लिए आएगा वो तो यही गोल लेके चलेगा भाई जब होने वाला काम अपना तो आप बुक करके रखो हाँ तो ऐसे तो ही बोलेगा और क्या बोलेगा नहीं मिलेगा तो फिर उसके खिलाफ साजिश करेगा यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता ये बड़ी मुसीबत है अल्लाह के नबी सल्लाह और इसमें फरमाया जो इसलिए लड़ा कि अल्लाह का कलीमा बुलंद हो यही अल्लाह के रास्ते में यानी मालूम कि अगर अल्लाह के कलीमे को गालिब करना नहीं है तो ऐसा आदमी अल्लाह के रास्ते में नहीं है इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है अल्लाह का कलीमा से मुराद क्या है इबन हजर रहम अल्लाह फरमाते हैं हाफिद अल हजरानी अपनी बारी में कहते हैं हुना कहते हैं यहाँ कि अल्लाह का कलीमा बुलंद हो जाए क्या मुराद है इससे कहते तोहीद का कलीमा बुलंद हो जाए गलब इससे भी मुराद है कि तोहिद आना चाहिए तोहीद के फैर नहीं कुछ भी तोहहीद ही लोगों के अंदर आना चाहिए इसीलिए शेख अब्दुल मोहसिन अबाद हाफिज अभी भी मदीने में कहते हैं जिहादुल इल्ला हसलत मुजाह दुश्मनों से जिहाद में कामयाबी नहीं मिल सकती है जब तक के नफ्स से मुजाहदे में कामयाबी ना मिले अपने आप से लड़के जो नहीं जीत सकता है वो दूसरों से लड़के जीत नहीं सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं पहलवान वो नहीं जो दूसरे को कुश्ती में पछाड़ दे पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू रखता हो असल जंग तो अपने से जीतने की है वो नहीं तो बाहर नहीं जीत सकता तू लेकिन यहां क्या कर दिया दीन के नाम पे अपने से लड़ते कब तक बैठेगा भाई बाहर काम बहुत है अपने को बाहर लड़ना है अपने को तो ऐसे लोग जो अपने से लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं जब दूसरों से लड़ने वाले बनेंगे दूसरों से लड़ने के बाद फिर आपस में लड़ेंगे के लिए। कहा कि फल मुस्लिम एक मुसलमान जब अपने नफ्स से मुजाहदा करने की इस्त उसमें ना हो वो दूसरों से मुजाहदा करने के लायक नहीं है ये बात याद रखने की है अगर कोई आदमी दीन के काम आ जाए फिर भी वो जहन्नमी बन सकता है अगर उसका अकीदा सही नहीं हो और ऐसे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे अब हरे रदी अल्लाह कहते हैं शहीद नसूल एक मरतबा हम एक जंग में अल्लाह के रसूल सल्ला के साथ में थे से सुनेकाल अली रजुल एक आदमी जो इस्लाम का दावा करता था अल्लाह के नबी सल ने उसके बारे में कहा हादा मिन नार। ये है. इस्लाम का दावा कर रहा हूँ लेकिन आपने क्या कहा जहनमी यही है वक्त आया वह आदमी लड़ा

बहुत लड़ा उसको जख्म भी आए और उसी में उसकी मौत हो गई अल्लाह के लिए लड़के मराना हो तो फकाल नबी सल्लाम की तरफ गया हो। कहते आपके ये जो बात हुई बाजों का हाल ऐसा हुआ कि गोया की शक में पड़ जाएंगे शक पे पड़ जाएंगे ऐसा कैसे हो सकता दिख रहा है इतना अच्छा आदमी बेचारा मुसलमान है सब कुछ है लड़ रहा लड़ के जख्मी हुआ और सुनने में आया कि वो मरा भी मौत हो गई इसी में उसकी फिर भी जहां इसी हाल में थे आपस में डिस्कशन चल रहा था कैसा ऐसा कैसा हो सकता है।, न्यूज आई, अभी है अभी उसकी मौत हुई नहीं है अभी उसकी मौत हुई नहीं है शदीदन। लेकिन हाल यह है कि उसको बहुत जख्म है इन्हें मरने के करीब निडाल है एकदम अभी मरा नहीं लेकिन अभी मौत नहीं हुई फ़कत लेकिन जब रात आई तो उसको सबर नहीं हुआ अपने जख्मों पर और उसने अपने आप को कतल कर डाला फिर फ़बर नबी इसकी खबर अल्लाह के नबी सी गईबर अशहद अकबर मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मेरी बात गलत नहीं थी मैं अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूँ रसूल की बात है ये

वो दीन के काम आया लेकिन दिन उसके काम नहीं आया क्योंकि दीन था नहीं उसके पास अब आप समझ रहे बेचारा मुसलमान था फिर भी कैसा ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है बासठ पे है एक और रिवायत में इसकी तफसील मौजूद है अखसम अबिल जौन कहते हैं फुल कहा कि अल्लाह के रसुल आदमी है खिताल में एकदम सर 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 लड़ता जाता है काला हुआ फिनार आपने कहा वो जहन्नम में है जहाँ उसका अंजाम जहन्नम है काला कुल नसूल फुलान फिर इबादत ही वली नानबी फिनार कहा के रसूल एक आदमी है जो इतनी इबादत करता है इतना मुजाहदा करता है और उसके बावजूद वो में है हम किधर है फिर इनके सामने वो बहुत टॉप लेवल का है क्या लड़ रहा क्या इबादत कर रहा सब कुछ कर रहा लेकिन जब उसका हाल है, आप जाएंगे आपने कहा यह जो है इसका हाल यह है कि निफाक पर डटा हुआ है वो जहनमे है इसका हाल क्या है अंदर क्या है ईमान नहीं इन अंदर क्या है निफाक है ये जहन्नम में जाने वाला है मालूम है कि वो जो आदमी था वो कौन था منافقین में से इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है और एक रिवायत सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वराजुल मुनाफिक वराजुल मुनाफिक जाहादा बिनफसीही व ही फी सबिलिल्लाह एक मुनाफिक आदमी अल्लाह की राह में अपनी जान और अपने माल से लड़ा जिहाद किया हता इदा अल अदू यहाँ तक कि जब दुश्मन से उसकी मुठभेड़ हुई काला लड़ा हता कोतीला यहाँ तक कि उसको कत्ल कर दिया गया फदाली का फिर वो जहन्नम में जाएगा मुनाफिक है लड़ा अपनी जान से अपने माल से अल्लाह की राह में लड़ा दुश्मन कत्ल भी कर दिया उसको कहाँ गया वो जहन्नम में आपने फरमाया जुमला याद रखें आपने फरमाया इन निफाक तलवार निफाक को नहीं मिटाती अल्लाह की राह में कतल होना यह निफाक को मिटाता नहीं निफाक पर ही मराना हो तो गया जहां तक करके क्या फायदा इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया और इसी तरह से दूसरे मुहादे ने भी और इमन हिब्बान में शेखलब कहते हैं हदीस सही है आप देखिए इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि अगर अंदर नहीं बनाया है एक्टिविटी कितनी भी अच्छी हो वो आदमी किसके लिए लड़ रहा है अल्लाह की में लड़ रहा ना जंग कर रहा दीन के लिए लड़ रहा माल लुटाया जान लुटाई जान दे दिया उसने क्या फायदा हुआ उसका इकामत दीन के लिए भागदौड़ तो किया उसने लेकिन अंदर इकामत दीन नहीं हुआ बाहर के लिए कोशिश किया उसने अंदर कर लेता तो जहन्नम में नहीं जाता बाहर सब कुछ उसकी सही चीजें हैं अंदर नहीं है अंदर दीन कायम नहीं किया जमीन पे कायम करने की कोशिश कर रहा है लड़ रहा है दीन के काम आ रहा है अल्लाह ताला कभी कभी गलत लोगों से भी दीन का काम ले लेता है सलाम की परवरिश किसने की भूसा आसलाम को अल्लाह ने रखा फिरौन के पास उससे काम लिया अल्लाह ने उसमें उसकी फजीहत भी है सबको मार रहा काट रहा चीज के लिए तेरे घर में पड़ रहा अल्लाह ताला हलाकत के असबाब को इंसान की बका का जरिया बनाता है अल्लाह कादिर है कभी कभी कुछ चीजें दिखाई देती है कि हलाक हो जाएंगे अल्लाह उसकी गोद में रख के पालता है कादिर कौन है अल्लाह है। हालात कैसे भी हों हलाकत की गोद में हम हों हम अगर सही हैं अल्लाह ताला उसमें रख के हमको पालेगा इब्राहिम सलाम का क्या हुआ सब मिलके क्या किया आग एक दिन जली थी वो कई दिन तक जलाए थे आग जलाओ अच्छी जला मजबूत आग बनाओ बहुत बोलता है हमारे बुतों के बारे में सब जनिक से फेंके उनको अल्लाह ने किसको दिया फरिश्तों को लाओ जाओ इब्राहिम को बचाओ क्या ऐसा किया नहीं अल्लाह चाहता जो चाहता करता अल्लाह तला ने डायरेक्ट क्या किया ठंडी हो जा सलामती वाली हो जा किसके लिए कि कौन सा बंदा है ये तौहीद वाला बंदा है इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानीता लिल्लाह हनीफा ولم यक इब्राहिम एक उसवा और नमूना थे उम्मतन कानीता लिल्लाह अल्लाह के हमेशा फरमाबरदारी करने वाले हनीफ़न, सबसे कट के अल्लाह के हो जाने वाले मुशर वो मुशरकिन में से नहीं थे अल्लाह ने हलाकत के अस्बाब को उनकी बका और राहत का जरिया बना दिया अल्लाह जो चाहे कर सकता है हम खाम बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते जितना प्रॉब्लम रहता उससे भी ज्यादा ले लेते हैं कोरोना में कितना टेंशन, है। टेंशन बहुत, में है। बहुत टेंशन ले लिए बहुत सारी चीजों में आदमी रिसेप्शन आया बहुत टेंशन फांसियां ले लिए लोग कुछ नहीं होता हालात आते हैं जाते हैं आदमी के सामने जहन्नम और कब्र का मामला ज्यादा संगीन होना चाहिए मुसलमानों पे इधर जुल्म हो रहा उधर जुल्म हो रहा हम क्यों नहीं कर रहे मुसलमान हाकिम कुछ नहीं कर रहे हमें कुछ करना चाहिए क्या क्या कर रहा हूं जालिम है जुल्म कर रहा है मार रहा है काट रहा है ठीक है तू तो पहुंच सकता उस तक नहीं खा, का क्यों बातें करता है बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है इंटरनेट मुजाहिद मत बन फेसबुक मुजाहिद हाँ और अगर कुछ डर महसूस हो तो अकाउंट डिलीट <laughs> ऐसा बहादुर ऐसा बहादुर नहीं बनना चाहिए बहादुर तो फिर पूरा बहादुर बन लेकिन यह अकलमंदी नहीं है यह अकलमंदी नहीं है भाई फुला उधर जुल्म हो रहा उधर जुल्म हो रहा क्यों उलमा कुछ बोलते नहीं कुछ बोलते नहीं बुजदील हो चुके हैं उलमा बिके हुए हैं एजेंट है, है। न जाने कितनी बातें बोलते हैं के के खिलाफ के खिलाफ अहले हक आदमी बोलता है ठीक है अगर उन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हम नहीं चाहते कि जुल्म हो अल्लाह जितने भी मुसलमान हैं जहां भी जिन पे जुल्म हो रहा है अल्लाह उनको न जाते उस जुलम से हम दुआ तो कर सकते हैं ना कुछ नहीं कर सकते दुआ तो कर सकते हैं अच्छा अब ठीक है उस जालिम ने मार डाला मुसलमान को कहां जाएगा मुसलमान मन मन यानी मन को तिलानी शहीद अब दाऊद की हदीस है जिसको उसके दीन की बुनियाद पर मार डाला गया वो शहीद है तो कहां जाएगा जन्नत में लेकिन तेरे पड़ोस में तेरे घर में तेरी नानी अम्मा है तेरा दादा है नानी है तेरी शिरक में पड़े हुए हैं दरगाहों पे जा रहे हैं तो उनको समझा रहा नहीं बड़े जिहाद में लगा हुआ है ना असल में बड़ा काम है तेरा घर पे आने को टाइम ही नहीं तेरे पास रात में मीटिंग रहती तेरी वहां पे बड़े गोल के लिए तो काम कर रहा है घर के अंदर तेरे दादा दादी नाना नानी ना, ना, बाप माँ शिरक में पड़े हुए हैं मर गए वो कोई बादशाह नहीं मारा उनको दवाखाने में मरे वो काबर में जब शिरक की बुनियाद पर पिटाई फरिश्ते करेंगे उससे बचाएगा तू उसको और वो जुल्म भी नहीं है और यहां जितना अजाब है या जितना जुल्म है उसके मुकाबले में वो अजाब कितना बड़ा है तेरे को छोटे अजाब की फिक्र है बड़े अजाब की फिक्र नहीं करना चाहिए थोड़े वक्त के लिए जो मुसीबत है जो जिंदगी तक है उसकी तुझको फिक्र है होना चाहिए नहीं होना चाहिए हम नहीं बोल रहे पर जब उसकी फिक्र तुझको है उस बड़े अजाब की फिक्र क्यों नहीं है तुझको मुसलमान शिरक में कुफर में जा रहे हैं उसकी तुझको फिक्र नहीं है तुझको अगर फिक्र है तो सिर्फ इसकी इसलिए कि वहां जुलम हो रहा है और तू तो खुद खुद तू तो खुद भी कुछ नहीं कर रहा है सिवाय सिवास कि तू तो सिर्फ बातें कर रहा है तुझको अगर कोई कहे एक काम करते ले मैं टिकट बना के देता तू तो जाता वहां पर मेरे भी बच्चों को कौन देखेगा मेरे अब्बा मना करते हैं नहीं जाएगा खुद खुद नहीं जाते फिर बातें क्यों कर रहा है मुसलमान नौजवानों को भड़का के उनके जज्बात को उनसे गलती करवा रहा है क्यों उसके भी तो माँ बाप है उसकी भी तो बीवी बच्चे हैं उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है तो अपने आप को सेव करके उम्मत को दांव पे लगा रहा मत कर ऐसा उसकी बजाय तू तो ये करता कि ठीक है भाई हम जुल्म से नहीं बचा सकते वहां पे हमारे हाथ में तो है नहीं क्योंकि हम हाकिम बादशाह है नहीं है ना हमारे पास फौज है हम कम से कम इतना कर सकते उनके लिए दुआ कर सकते अल्लाह से और हम अपने दायरे में जो अल्लाह के अजाब के मुस्तक हो रहे हैं अपने शिरक और कुफ्र और गुमराहियों की वजह से हम उनको बचाने की फिक्र करें भाई मुसलमानों का सिर्फ एक ही मसला है कि वहां पर जुल्म हो रहा मुसलमान बच्चियाँ गैर मुस्लिमों के साथ भाग के जा रही हैं कोर्ट में जाके शादियाँ कर रही मसला नहीं है मुसलमान नौजवान बहुत सारे जॉबलेस हैं मसला नहीं है मुसलमान नौजवान ड्रग एडिक्ट मसला नहीं है मुसलमान पौज में जाके नाच रहा गा रहा गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ में जिनाकारी बदकारी कर रहा प्रॉब्लम नहीं है ये कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनको उनके बच्चों ने घरों से निकाल दिया बूढ़ा घर में रह रहे हैं या रास्तों पर जी रहे हैं या किसी और के करम पर जी रहे हैं मसला नहीं है मुसलमानों में एजुकेशन की कमी प्रॉब्लम नहीं है ये रात के बारह दो बजे तक मुसलमान बाहर चौराहे पर लड़कियों को छेड़ते खड़े रहते प्रॉब्लम नहीं है ये मुसलमान बच्चियां घरों में बैठी उनका निकाह नहीं हो रहा जॉब पे जा रही जॉब पे जाके किसी और की शादी चली जा रही मसला नहीं है ये कितने लोग दहेज की वजह से बुरे निकाह गलत निकाह दहेज वाले हो रहे हैं इसकी वजह से बच्चियां खुदकुशियां कर रही हैं या भाग के जा रही घरों से फजूल खर्ची मुसलमानों की हो रही मसला नहीं है बेदीनी आम हो रही बच्चे मोबाइल फोन लेके पबजी खेलते बैठे हुए हैं या ब्लू वेल खेल के कई लोग मर गए इस तरह से प्रॉब्लम नहीं है कितने प्रॉब्लम्स हैं कितने बीमार पड़े हुए हैं उनको इलाज के लिए पैसे नहीं है मसला नहीं मुसलमानों का लेकिन आपने क्या कर दिया एक ही मसला मुसलमानों का है इन मसलों को कौन हल करेगा बोले आप करो इन मसलों को कौन हल करेगा कोई एक मसला मुसलमानों का है इतने सारे मसाइल है भाई जो हम अब इस मसले में लगने की वजह से ये सब रह गए जबकि ये हम कर सकते थे यह नहीं कर सकते सिवाय बातों के कुछ नहीं हो सकता यहां पे। इन मसाइल के हल करने के लिए तेरे पास स्ट्रैटेजी क्या है तेरे पास प्रोग्राम क्या है तो ये कहना कि मुसलमानों का एक ही मसला है और सियासी मसला है और जुल्म हो रहा मुसलमानों पे ये एक बड़े पिक्चर को छोटा बना देना है मुसलमान को चाहिए कि सारे बड़े पिक्चर को देखे कि कहा मुसलमानों के मसाइल हैं और फिर ये सोचे मैं क्या कर सकता हूं और फिर उन उस मैदान में काम करें तो ऐसा मुसलमान मरते वक्त सुकून से मरेगा कि चलो मेरे बस में जो था उतना तो मैंने किया आप देखें ऐसे जितने लोग होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में होते हैं हमेशा वो हमेशा स्ट्रेस में होते हैं कि वो कुछ कुछ आउटपुट ही नहीं कुछ कर ही नहीं पा रहा हो और गुस्से में आके स्ट्रेस में आके बाद अवकात वो कोई गलती कर देते हैं उनकी भी जिंदगी खराब होती जितने कनेक्टेड होते हैं उनकी भी जिंदगी खराब हो जाती है इस हदीस से बात मालूम होती है कि अगर अंदर तोहहीद और ईमान नहीं है बाहर आदमी जी जैसा अमल करके उसमें हो होके भी जहन्नम में जाएगा क्या हाथ में आया भाई सब कुछ करके जहन्नम तो मतलब क्या है आदमी की नजात क्यों कर रहा तू नजात के लिए तो कर रहा ना जब नजात ही नहीं तो फायदा क्या है हमेशा की जहन्नम में चला गया फायदा क्या है इसलिए आप देखेंगे जो सियासी तंजीमें उठती हैं उनको गिनती ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैं दुखती रगों पे हाथ रख रहा हूं उनको लोग ज्यादा 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 मेंबरशिप होना 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 चाहिए 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 अपने साथ ज्यादा लोग होना चाहिए ज्यादा लोग भाई के लिए क्या करना पड़ेगा हर कलर के लोगों को लेना पड़ेगा दरगाह वाला भी चाहिए फलाना भी चाहिए फलाना भी चाहिए बोले अब इसकी अपन बात करेंगे ना तो ये आएगा नहीं ले लेंगे बाद में देखेंगे इसको तो एक बड़े मकसद के लिए फिर सारे लोगों को बिगड़े टुकड़े जितने भी होते हैं उन सबको लेके वो काम करना पड़ता है फिर उनकी इलाह नहीं होती है तो बड़े तागुत को हटाने के लिए शीर्क जिंदगी में बाकी रखना पड़ता है लोगों के क्योंकि बोल नहीं सकते किसी को कुछ हम सब मिलके अपने इख्तलाफात को अपनी जगह पर रखेंगे और हम एक बड़े मकसद के लिए काम करेंगे तो वो सारे इख्तलाफात तौहीद तो वाले थे लेकिन तुमने क्या कर दिया उस पर मुफामत और मुसाहत कर ली वी अग्री टू डिस तुम तुम्हारी जगह रहो हम हमारी जगह रहेंगे लेकिन हम एक बड़े मकसद के लिए काम करेंगे यही तो है ना जितनी सियासी तंजीमें होती हैं उनमें ये मजबूरी होती है कि वो एक दूसरे की सलाह कर नहीं सकते वो हक बात बोल नहीं सकते आप जालिम बादशाह के सामने हक बात बोलने की कोशिश कर रहे आपके मेंबर के सामने हक बात बोलने की औकात आपकी नहीं आप बात करते हैं आप क्या कह रहे हैं बुजदिल हैं क्यों मेम्बरों से बात नहीं करते तो अपने मेंबर के साथ में बात आलिम के मेंबर की बात कर रहा है अपनी जो टीम है उसके मेंबर से बात करने की तेरी औकात नहीं कि भाई तू शिरक में पड़ा हुआ है तेरे अब्बू की सलाह कर वो शिरक में पड़े हुए हैं दादा जान तेरी शिरक करते है, अम्मा तेरी शिरक करती है दरगाहों पे जाते उसको रोकने की तेरे में ताकत नहीं है और तू उलमा को कह रहा है कि तुम बादशाहों के खिलाफ बोलो इनको भी बिठाना चाहता है तू जेल के अंदर तो सारे मेंबर हमारे खाली हो जाएँ नमाज़ पढ़ने वाला हमको ना मिले जनाजे पढ़ाने वाला हमारे पास ना रहे दीन के मसाइल हमको बताने वाला पेशा पाखाने की भी कोई ना रहे और फिर हम आज़ाद घूमते फिरें और फिर हमारी जो है मजालस में मुफ़क़िरीन और प्रोफेसर्स आके बैठ जाएँ जो लोगों के दीन का तमाशा कर दें ये चाहते हैं आप लोग गौर करने की बात है एक नौजवान मेरे पास आगे बैठा प्रोग्राम मेरा चलने वाला था हॉल हा। में एक प्रोग्राम हमारा होता है आगे उलमा हमारे बोलते नहीं है मतलब क्या नहीं बोलते हैं बोले जिहाद के मसले पर नहीं बोलते हैं मतलब हमारे उलमा सब बुजदिल हैं तो मेरा है पूछा करो क्या बोल रहे <laughs> बोला हमारे उलमा सब बुजदिल हैं आप लोग बहादुर हो एक काम करते हैं मैं ये हॉल बुक करता हूँ आप जितने भी आपके हम ख्याल हैं उन सबको बुलाओ और यहाँ पे जिहाद के बारे में बोलो और गवर्नमेंट के बारे में जो बोलना है हमारे जो उलमा नहीं बोल रहे ना आप बोलो सोचा मेरे को देखा क्या बोलो इनको बोला हम लोग तो नहीं बोलते ठीक है अगर वो नहीं हो सकता आपको तो मैं एक काम करते हैं मैं लाइव आपका लेक्चर रखता हूं मेरे मोबाइल से उस पर आप जितने जिहाद के मसाइल हैं गवर्नमेंट की खिलाफ है और उनके खिलाफ भड़काओ लोगों को बताओ क्या करना चाहिए अपने को बोल सकते तो ओलमा को बुजदिल बोल रहे तुम उनसे ज्यादा बुजदिल हो कम से कम वो कुछ तो बोल रहे खड़े होके लेकिन तुम जो उलमा की कर रहे हो और उलमा को बुजदिल बता रहे हो तुम खुद क्या कर रहे हो तुम खुद क्या कर रहे हो? उलमा को आज एक बड़ा तबका है इखवानी तबका इसके इसके गोल्स में से आप देखिए जो आदमी मिलते ही बोले उलमा सही ढंग से काम नहीं कर रहे आज इतना दुनिया में तबाहियां हो रही कुछ बोल रहे नहीं है इसके बारे में बादशाह हुक्मरान इतना सब कुछ कर रहे बोल रहे नहीं भरोसे के लायक नहीं रहे अभी ये आदमी इंफेक्टेड है बल्कि खुद ये बीमारी है एक इस इस उम्मत की तबाही किससे आएगी बात मैं थोड़ी आगे ले जा रहा हूं अलग और भी मेरे सामने और आप घड़ी देख रहे हैं मुझको मालूम है इस उम्मत की तबाही इससे आएगी कि इस उम्मत के अफराद से उलमा उठा लिए जाए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाए इंतजैन अल्लाह इल्म देने के बाद ही तुमसे इल्म छीन नहीं लेगा अचानक दिलों से गायब हो गए याद ही नहीं कुछ भी ऐसा नहीं करेगा अल्लाह वलाकिन वेमा बल्कि अल्लाह ताला इल्म को उठाएगा के उठाने से समाज से निकल जाएंगे समाज में बाकी नहीं रहेंगे लम आलिमन इतना जब उलमा बाकी नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों को अपना पेशवा बनाएंगे नीम हकीम ये भी तो आधे आलिम है ना हाँ इनको भी थोड़ा बहुत मालूम है थोड़ा बहुत मालूम है तो ऐसे जो लोग होंगे वो लोग समाज में क्या होंगे पेशवा बन जाएंगे हत्ता इदा हतामन इतना फिर उनसे पूछेंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे वो व अवलु खुद भी गुमराह होंगे दूसरों को भी गुमराह करेंगे आप ये चाहते हैं इबारी की हदीस है कि समाज से उलमा निकल जाए और फिर ये लोग बाकी रह जाए और फिर लोगों को अपनी तरफ से बताएं कुरान की इस आयत का ये मतलब है जो अल्लाह के नाजिल किए हुए के मुताबिक फैसला ना करें ये काफिर हैं इसलिए जितने हुक्मरान हैं जो शरीयत को नाफिज नहीं कर रहे हैं सब काफिर हो चुके हैं ये मुर्तद हो गए हैं यही तो फिक्र है ना पहली बात यह कि अल्लाह ताला ने यह आयत बादशाहों के बारे में नाजिल की यह तुझको किसने कहा इसमें है कि जो बादशाह अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसला ना करें वो काफिर हैं ऐसा किधर है इसमें मन उमूम का सेगा इसको याद रखें मन जो है क्या है इसमें उम, जो कोई अल्लाह के नाजिल किवे के, के मुताबिक फैसला ना करे सब काफिर हैं तो मानता है ना वो काफिर हैं तो तुझको सबको काफिर मानना चाहिए जो अल्लाह के नाजिल किए के, के मुताबिक फैसला ना करे फिर अगर एक बाप से बेटा पूछता है अबो मैं फुलाने फिल्म देखने जा रहा जाऊं ठीक है जाओ जल्दी आओ अगर अगर उस बाप ने ये फैसला दिया क्या ये फैसला अल्लाह के नाजिल किए के, के मुताबिक है कि नहीं हा? है ना बच्चों को इजाजत दो नरमी करो प्यार मोहब्बत से रहो है नहीं अब इस बाप पर क्या हुक्म लगाएंगे ठीक है बेटी का निकाह है चलो बेटे का छोड़ दो आप बेटी का निकाह है अम्मा आई बेटी की बोली वो लोग बोल रहे अपने को थोड़ा सा रजा करना पड़ेगा ढोल ताशा बजाना पड़ेगा निकाह में तो लड़के लड़के वालों की जिद है और वही गाने बजने चाहिए शादी के वक्त में दूल्हे को नाचने का बहुत शौक है अल्लाह हमारे निकाहों को सही कर दे भाई खुराफात इतनी भरी हमारे निकाह अगर सादे हो गए ना तो कई बच्चियां बेहयाई से जान की तरफ जाने से बच जाएंगी और भी बहुत सारे मसायल हल होंगे इतना खर्चा होता हमारी शादियों में कि आगे जो है हमेशा टेंशन में रहता दूल्हा क्योंकि वो सारा उसी दिन खर्चा कर लिया अगर आई अम्मा आई बेटी की बोली लड़के वाले जिद कर रहे ऐसा कि नाच गाना होगा करने हाँ बोलना कि ना बोलना अब बाप सोचा अभी बहुत मुश्किल से रिश्ता हुआ है इतनी खूबसूरत भी नहीं है बच्ची अपनी और बहुत रिश्तों के बाद एक रिश्ता जमा बोले ठीक है चलेगा हम लोग बुलाएंगे वो फला हाँ दरबार बैंड या फुल बैंड जो है हम वो बुलाएंगे ठीक है हाँ इस बात पे क्या हुक्म लगाएंगे आप इसने क्या ये जो फैसला किया हकम है ना इसमें फैसला किया कि नहीं किया उसने अपनी फैमिली के दायरे में किया उसने ये जो फैसला उसने किया क्या ये फैसला शरीयत के नाजिल के मुताबिक है कि नहीं है नहीं है पार्टी में गया जॉब पे है अब दोस्त ने बोला देख मेरा बर्थडे तेरे को पीना पड़ेगा आज एक घोट मेरी खातिर मोहब्बत का जाम अब ये सोच रहा पीऊ क्या नहीं पीऊ पिया तो गुना नहीं पिया तो दिल टूटेगा और ये मेरा टीम लीडर भी है <laughs> खाली दोस्त नहीं है और एक रिश्ता है जो ज्यादा खतरनाक है सोच रहा है अभी तक डिसाइड नहीं किया उसने फिर फैसला किया उसने जाने दे आज पी लेते हैं तोबा करेंगे सुबह फजर में ये जो फैसला उसने किया ये फैसला अल्लाह की शरीर के मुताबिक किया कि किया? नहीं किया इस पर हुक्म लगेगा काफिर का फिर खवारिज का अकीदा क्या था हर गुनाह करने वाला काफिर हर गुनाह करने वाला काफिर ये किसका उसूल था खवारिज का था हम कहा ले जा रहे हैं उम्मत को कि जो आदमी शरीयत का निफाज ना करें वो काफिर तो इनडायरेक्टली आप किधर आ गए और आपने कहा तो ये एक एक एक-एक करके ग्रोह दर ग्रोह निकलेंगे तो ये जो तबका है ये इसका खात्मा वही होगा कि फिर हर आदमी जो गुनाह करता है दीन से हटा हुआ है उस पर कुफर के फतवे लगेंगे यही काम किया सैयद कुतुब ने क्या कहा मुसलमान आज जाहिलियत में चले गए हैं जाहिलियत का मतलब कौन सी जाहिलियत वही जो इस्लाम से पहले थी सारे मुसलमान आज असल इस्लाम पर नहीं है जब तक कि वापस वो स्पीकर को उस दावत को कबूल ना करें जो हम पेश कर रहे हैं सारे मुसलमानों को जाहिलियत करार दे दिया इसका अंजाम ये है कि हम सारे मुसलमानों की तकफीर करते फिरे हैं मा ने कहा इब्ने अब्बास रद्ला कहते शायद की तफसर में कुफर कुफर ये कुफर वो नहीं है जो इस्लाम से खारिज करे बल्कि ये कुफर क्या है ये उस कुफर से छोटा कुफर है जो इस्लाम में आदमी को बाकी रखता है लेकिन बहुत बड़ा गुनाह है हाँ अगर वो अल्लाह की हलाल को हराम करता है या हराम को हलाल करता है हराम को अपने लिए हलाल मान लेता है तब आदमी इस्लाम से खारिज होता है लेकिन गुनाह में वाक होना बगैर नीयत के गुनाह करता गया आदमी बगैर फैसले के करता कोई गुनाह आदमी मैं फैसला नहीं करा लेकिन गुनाह करना चाहता करता कोई ऐसा नहीं उसको फैसला तो करना ही पड़ता ना इन आमालू इरादा तो होता है उसमें फैसला तो होता है उसमें तो फिर आप हर गुनाहगार को काफिर करार देने वाले बन जाओगे अगर इस आयत की ये तफसीर आप लोगे लेकिन ने कहा कि वो कुफ रहे लेकिन कौन सा गोबर जो इस्लाम से बाहर नहीं करता जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया इफ़ी उम्मती हुमा बिहिम कुफर दो चीजें मेरी उम्मत में ऐसी हैं जो कुफ्र वाली हैं क्या है के एक किसी के नसब में ताना देना उसको और मातम करना

बाहर कर दिया हाकिमों को अब जाहिर बात है कि जब इस्लाम से बाहर हो गए तो इनको हटाने के लिए पूरी ताकत से लोगों को तैयार करो किसी हाकिम का किसी मामले में गैर हुक्म को नाफिज करना उसे काफिर नहीं बनाता है गुनहगार बनाता है अगर वो उसको हलाल मान ले कि हलाल है तब जाकर वो काफिर होता है जब तक के इस्तेहलाल वो ना करे तब तक के काफिर नहीं होता है चाहे वह हाकिम हो या आम आदमी हो कोई भी मुसलमान हो इसको याद रखना जरूरी है लेकिन इस फिक्र के हामिलीन ने क्या कर दिया इस तफरीक को खत्म कर दिया हर आदमी जो गलत फैसला कर रहा है गुनाह का फैसला कर रहा है उसको क्या कर दिया काफिर बना दिया ये बड़ी खतरनाक चीज है जो खवारिज की खास सिफात में से उन्होंने तो हजरत अली की तकफीर कर दी और हरत माविया की भी का, दोनों काफिर हो गए लोग क्यों इसलिए कि हजरत अली ने क्या कहा था हम में से एक और तुम में से एक बात करने वाला रहेगा दोनों मिलके जो तय करेंगे आगे बढ़ेंगे तो कहा कि ये हकम कैसे तय किए इन्होंने? इधर से एक, एक तो अल्लाह का है आज भी आयत पढ़ी जाती है और इसी पसे मंजर में हुक्म अल्लाह का चलेगा हुक्म तो ही का चल रहा है और किसका चल रहा पानी जिसके हुक्म से बढ़ता गवर्नमेंट हुकुम कायनात में अल्लाह का चल रहा है और अल्लाह का हुक्म नाफिज होना चाहिए लेकिन वो हाकिम की तरफ से है। तो नसीहत उसको कर सकता है बगावत नहीं बगावत नहीं तो ये जो चीज है ये याद रखने की आप अबू तालिब की मिसाल देखिए जैसे हमने देखा कि दीन के काम आ जाना कुछ फायदा नहीं देता जब तक कि आदमी की तोहिद उसके पास ना हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास गए आखिरी वक्त में और कहा चाचा ला इला का इकरार कर लो मैं अल्लाह के पास तुम्हारी सिफारिश करूंगा भले आखिरी वक्त में करीमा पढ़ लिया लेकिन ये भी नजात का जरिया क्योंकि जिंदगी बाकी है साथ में बैठे हुए अबू जहल और अब्दुल्ला अपने अभी उमैया कहने लगे अबू तालिब अपने बाप अब्दुल अब्दुलमलिब के दिन से फिर जाओगे आप मुसलसल कहते रहे करते रहे लेकिन उन लोगों ने जो जहन बनाया आखिरी बात अबू तालिब की जुबान से निकली कि मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दिन पर हूँ, व आबा ए अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से क्या कर दिया इनकार कर दिया अबू तालिब कितना साथ दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुख दुख में साथ रहे कि नहीं रहे बॉयकॉट हुआ तो उसमें साथ में थे लेकिन क्या काम आया क्यों क्या नहीं था उनके पास तौहीद तो नहीं थी

जबकि मालूम हो चुका हो कि वह जहनवी है खात्मा कुफर पर ही हुआ उनका शिरक पर ही हुआ आप इस की दुआ भी नहीं कर सकते मगफरत की दुआ नहीं कर सकते ऐसा इंसान जिसने हर एतबार से साथ दिया इसलिए आप देखे बाद के दौर में पूछा गया अल्लाह के नबी सल्म से अब्दुल्लाब ने अब्बासब अब्दुल अब्दुलमतलिब कहते हैं कालाया रसोल अल्लाने खुद कहा, कहा आपके चाचा अब्बासब्दुलते हैं या रसूल हल न फायत अबाबी अल्लाह के रसूल क्या आपके जरिए अब तालिब को कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ व इन न हो का ना या हो तो का व या गबुल इसलिए कि अबू तालिब हमेशा आपको संभालते रहे आपको सिक्योरिटी देते रहे आपका अहाता करते रहे आपको बचाते रहे मशर्की इन दुश्मनों से इतना बचाया आपको और आपको कुछ तकलीफ हो तो उनको गुस्सा आता था आपकी वजह से वो गुस्सा होते थे तो कुछ फायदा उनको हुआ कि नहीं आपकी नस्बत का आपके जरिए उनका कुछ फायदा हुआ कि नहीं खाला कि वो जहन्नम में हैं लेकिन इतना कि उनकी जैसे गोया के जूतियां पहनी हो जहन्नम की आग की तखनों तक आग और आपने कहा लना ल और अगर मैं नहीं होता यानी मेरी सिफारिश नहीं होती तो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होते लेकिन जहन्नम से बाहर सबसे हल्का आजाब उनको है लेकिन जहन्नम ही में बाहर नहीं कहला के साथ दिया आपका आपको बचाते रहे नबी को बचाने से ज्यादा कोई बड़ा काम हो सकता है नबी की सिक्योरिटी नबी अलैहि वसल्लम के साथ दिन आपकी दावत के लिए गोया के बिल्कुल आपके लिए हिसार बने हुए थे अबू तालिब कि आप दावत दो मैं हूं लेकिन काम आया नहीं क्यों अंदर नहीं बाहर साथ हैं एक्टिविटी है लेकिन अंदर ईमान और तौहीद नहीं तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी कुछ काम की नहीं है आखिरत में काम नहीं आएगी दीन की जिद्द जोहद में काम आ जाना नजात के लिए काफी नहीं है जबकि इंसान के पास अपना ईमान और अपना इखलास ना हो जब तक कि ये नहीं है कुछ काम का नहीं है इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया इसी तरह से इमाम मुस्लिम ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों के बारे में फरमाया वकदूह याई इलैका व इदीन अमिन कबलिक ल इन अशरक्ता लःबलुक वकून आप गौर करें अभी अबू तालिब की बात हो रही थी नबी क्यों आते हैं अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिंदगी में दीन लाने के लिए अल्लाह की शरीयत की निफाज के लिए अकीदे और अमल में लोग वैसे बन जाएं जैसे अल्लाह चाहता है लेकिन इन नबी और रसूलों के बारे में अल्लाह ने फरमाया नबी आपकी तरफ भी हमने इस बात की वही की है और आपसे पहले जो नबी थे उनकी तरफ भी हमने पैगाम भेजा है क्या इन अशरक्ता अगर आपने भी शिर किया तो आपका सारा का सारा अमल बर्बाद कर दिया जाएगा वल तक ना मिनल खासरीन और आप खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे नबी की इबादत दीन की खिदमत नबी के अखलाक एहसान नबी की सारी जितनी भी चीजें हैं आला शख्सियत और आला आमाल शख्सियत भी आला आमाल भी ऊंचे लेकिन अगर आपने भी शिरक किया तो हम क्या कर देंगे उस सारा सारा दावती अमल सारा ये सारा दीन के लिए कुर्बानी और इबादतें अल्लाह सब कुछ खत्म कब ल इन अगर तूने शिर किया तेरा सारा अमल हम बर्बाद कर देंगे किसकी तरफ होगी कि अल्लाह ने सारे नबियों की तरफ मालूम है कि ये ऐसी अहम चीज है कि तुम बड़े से बड़ी कुर्बानी दो बड़े से बड़ा दीन का काम करो अगर तुम्हारे पास तोहहीद नहीं है अगर तुम्हारी जिंदगी में शिरक है कुछ काम नहीं आएगा और आप ये कहेंगे ये बनाने की बजाय ये हुकूमत के काम में लगाओ लोगों को बड़ा काम यह है ये नहीं अगर जिंदगी में है इसको सही ढंग से नहीं समझा इंसान और अकीदा अगर सही नहीं बना तोहहीद जिंदगी में नहीं आई शिरक रहा बाकी तो ऐसा इंसान जहन्नम में जाएगा सब कुछ करके भी जहन्नम में जाएगा क्या इसकी असलाह की जरूरत नहीं है सबसे ज़्यादा इस इस चीज़ की असलाह की ज़रूरत है बल्कि आप देखेंगे कि हुकूमत के हकदार कौन हैं हुकूमत के हकदार कौन है और हुकूमत पर आने के बाद सबसे पहली एक्टिविटी क्या होना चाहिए लोगों की कौन लोग हो सकते हैं आप देखिए कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया वाद अल्लाहु अल्लज़ीन आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात अल्लाह ने तुम में से उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहें इस बात का वादा किया है लयस अल्लाह ताला उन्हें जमीन में खिलाफत देगा कौन देगा छीनो अल्लाह देगा हालात पैदा करेगा अल्लाह किन किनके लिए जो बड़े बड़े डिस्कशन करें मीटिंग्स करें किसके लिए आमनु व आमिन सोलह ईमान लाए और नेक आमाल किए इन्हें अपनी जिंदगी अकायद और अमल की सतह पर उन्हें अच्छी बनाई उनके लिए अल्लाह का वादा है कि अल्लाह जमीन में उनको इस्तलाफ देगा बुरों को हटा के अल्लाह उनको लाएगा इकतदार उनको अल्लाह देगा कमज तकलफलन अबिन कबिल हिम जैसा इनसे पहलों को भी अल्लाह ने किया हटा कर उनको लाया उनको इकतदार दिया उनको खिलाफत दी इस्तलाफ उनका किया वाला और उन्हें उनके उनके लिए उस दीन को जिसे अल्लाह ताला ने पसंद किया है उस दीन को उनके लिए अल्लाह ताला पुख्तगी से कायम कर देगा उस दीन को तमकीन देगा इस्टैब्लिश करेगा अल्लाह ताला उनके लिए उस दीन को जो अल्लाह को पसंद है खौफ के हालात के बाद उनके इन खौफ के हालात को बदल के अल्लाह ताला उनके लिए अमन के हालात पैदा कर देगा खौफ के हालात को बदल के अल्लाह कौन से हालात लाएगा अमन के हालात लाएगा क्या करेंगे जब वो ऐसा होगा तो याबुदू नीला युषरीकू नया जब ऐसे हालात आएंगे इकतदार उनको मिलेगा ये वो बंदे होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे प्राइमरी क्वालिटी उनकी ये है तो इन लोगों को अल्लाह इकतदार देगा इनके सिवा दूसरों को नहीं वमन का फराबाद अदाली खफाउला एक अहमुल फासिकून इसके बाद भी जो इनकार करे यही लोग गुनाहगार हैं फासिक लोग हैं ये सूरह अन्नूर की आयत नंबर 55 है इस ताल्लुक से आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आप देखिए जैसे मौलाना मौदूदी ने कहा कि सारे नबियों का गोल ये था के बातिल हुकूमत को हटा के अच्छी हुकूमत लाई जाए। जाएसा सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसे बादशाह के पास भेजा जिसका दावा क्या था छोटा मोटा दावा था उसका वकाल अन आला। उसका कहना क्या था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं सुपर रब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं उसके पास मूसा सलाम गए मूसा सलाम जाके क्या कहा उससे तू तो हट जा हमको नेक आदमी को बिठाना है उनकी दावत क्या थी जो अल्लाह की तरफ से उनको दी गई थी क्या मूसा सलाम का ये गोल था कि मिस्र में रहकर कर फिर को हटा के उसकी जगह पर नेक इंसान को बिठाया जाए हर सलाम को मसलन बिठाया जाए उनकी जगह पे क्योंकि अपने बाद वही छोड़ उनको ही छोड़ के गए थे जब टूर पे गए तो अपने पीछे किसको छोड़ा कौम में हर सलाम को और अपने साथ जब मांगा तो किसको मांगा सलाम को तो लायक इंसान है ठीक है अगर मैं नहीं तो वो तो क्या ये बात उसके सामने पेश की देखिए क्या पेश की है अल्लाह ताला ने मूसा सलाम से कहा तखाफा इन्नी जब अल्लाह ने फिरौन के पास जाने की बात की तो बादशाह सामिशाह और पहले से मैं एक उसके हिसाब से जुर्म करके भागा हूं मेरे हाथ से कत्ल हुआ है उसके आदमी का तो एक खौफ था उनके ऊपर कि कैसा जाके बात करूं मैं अल्लाह ने कहा तखाफा तुम दोनों डरो मत, मुसा वहारून मैं तुम दोनों के साथ में हूं अस व अरा मैं सुनता हूं देखता हूँ फू तुम दोनों के दोनों फिरौन के पास जाओ फकूला इन्ना रसूल उससे कहो हम दोनों तेरे रब के रसूल हैं हम दोनों कौन हैं तेरे रब के रब की तरफ से आए हुए रसूल हमारे साथ बनी को जाने मिस्र से हम लोगों को जाने दे उनको अजाब मत दे फिर उनके पास जाके क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तू तो हट जा हमको बैठना है तो अलग ही हो गए सारे नबियों का मकसद अगर यह है कि बातिल हुकूमत को हटा के उसकी जगह खुद नेक लोगों को बिठाया जाए तो ये तो बोल रहे तू हमको जाने दो सोचिए पूरी यहां मकसद ही बदल गया पूरा उसको हटाने की कोई बात ही नहीं है बल्कि क्या है अन अरसिल बनी इस्राइल। बनी इस्राइल को हमारे साथ मिस्र से जाने दो उनको अजाब मत दो उनको मत सताओ कदी ना कभी आया थी रबिक हम तेरे रब की तरफ से एक खुली निशानी लेकर आए हैं और जो हिदायत की पैरवी करे उस पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो सलाम नहीं कि फिर उनको हटाएं यूर है इस ताहा की आयत नंबर छियालीस सैतालीस है और एक आप दे। आयत सूर्य शोरा आयत नंबर पंद्रह से सत्रह तक अल्लाह तूसा से कहा काला नहीं, तुम जाओ यातना तुम जाओ हमारे आयतों के साथ दोनों इन्ना मैं हम हम तुम्हें तुम्हारे साथ हैं सुनते हैं फतिया फिर फिराउन के पास जाओ तुम दोनों फकूला इन्ना रसूल और उससे जाके कहो हम रब आलमीन के रसूल हैं अन अरसिल माना बनी इसराइल इस पैगाम के साथ आए हैं कि हमारे साथ बनी इसराइल को जाने दो हम जाने वाले लोग हैं हम तुमको हटाने वाले लोग तो पूरा मफरूजा खत्म हो गया ये जो मफरूजा था कि सारे नबियों का मकसद सारी इंसानियत का मकसद हमेशा से रहा है कि बातिल हुकूमत को हटाने के लिए उससे कशपकश की जाए लड़ा जाए हक बातिल की जंग हटाओ उसको गवर्नमेंट को हटाओ गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं जाने दो हमको हम बनी इसराइल को लेके जाना चाहते हैं मत सताओ उनको बादशाह के सामने जाके कह रहे हैं उसको दावत दे रहे हैं तोहीद की और कह रहे हैं हमको जाने दो तो ये जो चीज है हटाने की बात ही इसमें नहीं कहा जाएंगे मिस्र छोड़ के जा रहे हैं हम लोग तो यहां यहां हुकूमत नहीं कायम कर रहे हैं हम लोग हम जा रहे तो ये जो बात है ये क्या है इसमें तो बात नहीं है जो सैयद आला मौदूदी पेश कर रहे हैं इसी तरह से आप देखिए यूसुफ असलाम की मिसाल देखिए ये भी तो अल्लाह के रसूल थे नबी भी थे और रसूल भी थे सलाम को जब जेल में डाला गया तो उन्होंने क्या किया जेल में बादशाह बहुत गलत है बातिल हुकूमत है इसको हटाना चाहिए अपने को बोले जेल में साजिश किया अपने साथ मेंबर एक टीम तैयार किए नहीं कहा या साहिब मेरे जेल के साथियों अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार अलग अलग कई रब अच्छे कि एक अल्लाह अच्छा जो सब पर कहार है गालिब है जो चाहे कर सकता है माता के सिवा जिनको तुम पूछते हो ना वो तो बस नाम है तुमने तुम्हारे बाप दादा ने नाम दे दिए हैं और उनकी तुम इबादत करने में लगे हुए हो माँ बिहार सुल्तान अल्लाह ने इसके लिए कोई दलील नाजी नहीं की कि तुम ऐसा करो हुक्म ये देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये हुक्म तो अल्लाह ही का है हुक्म तो क्या है अल्लाह ही की है अल्लाह अल्ला ने तुमको हुक्म दिया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे का दीन उल्ईम ये पुख्ता दीन है ये कायम दीन है वाला अख्तर ना सिला अक्सर लोग जानते नहीं बादशाह के खिलाफ भड़काया लोगों को जेल में यही बादशाह ये लोग डाले ना मुझको जेल में और गवर्नमेंट पूरी गलत है जालिम गवर्नमेंट है इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा कितने लोग मेरे साथ है बताओ मैं नहीं पूछ रहा यूसुफ अली सलाम की बात कर रहा हूं किया उन्होंने ऐसा नहीं बल्कि जब बाहर आए तो क्या हुआ ख्वाब दिखाया अल्लाह ने बादशाह को और तावील किसके पास थी यूसुफ असलाम के पास الملك اتوني به استخلص لي نفسي जब वो तावील जो बताई ताबीर ख्वाब की बताई यूसुफ अरे सलाम ने बादशाह ने क्या कहा लाओ उसको यूसुफ अलम को लाओ मेरे पास अस्त नफ्सी मैं उसको अपने लिए खास कर लूंगा वो मेरा स्पेशल आदमी होगा इतना बड़ा काम किया उसने इतना बड़ा सलाहतमंद है मेरे पास रहेगा खास मकाम उसको मिलेगा काला मकीन। अमीन। जब बात हुई यूसुफ अलम की बादशाह से अलमलिक बादशाह वो उससे बात हुई तो बादशाह ने क्या कहा इन नकल आज तुम्हारा हमारे यहाँ पोजीशन तुम्हारी ये है कि तुम्हारे लिए हमारे पास क्या है करार है तमकीन है पोजीशन है एक और तुम तुम्हारे लिए हमारी तरफ से क्या है अमनो अमान है हम तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और तुमको अच्छी पोजीशन देंगे कौन कह रहा है ये बादशाह ने कहा कि मुझे जमीन के खजानों पर तुम जिम्मेदार मुकर्रर करो मेरे हाथ में वो पोजीशन दो कि मैं जमीन पे जितने भी खजाने हैं मैं उनकी निगरानी करूं या उनके ऊपर फैसला करूं इन्नी हफीज़ुन अलीम मैं हफीज हूँ अलीम हूँ मैं हिफाजत करने वाला हूँ और अमानत दार हूँ या मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें और अमानत दार हूँ इस काम में मैं माहिर हूँ वह कदाली का और इसलिए हमने यूसुफ सलाम को मक्का नूसुफ अफिल अर्द ये तब उमिन हा हफ हमने यूसुफ़ को ज़मीन में तमकीन दी करार दिया जहाँ चाहे अपने लिए मकाम बनाए बनाएं नसीबमती नाम शाह हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं अता करते हैं फ़ायदा पहुँचाते हैं वला नदय उजर अलमुहसिन और करने वालों के अजर को हम ज़ाय नहीं करते हैं सूर्यूसुफ में अल्लाह ने बयान किया एक है एक गैर मुस्लिम बादशाह है यूसुफ अल्लाम ने तो ये बोलना चाहिए तागती हुकूमत है मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारा तख्ता पलटू कहा यूसुफ्लाम ने नहीं बल्कि क्या कहा मुझे तुम क्या करो अपने खजानों पर पोजीशन दो ताकती हुकूमत के जिमन में पोजिशन मांगना सही है नहीं बोल रहे आप लोग तो यूसुफ्लम गलत करें आप सोचिए गैर मुस्लिम हाकिम है मकान की अल्लाह ने कहा बादशाह के कानून में ऐसा ऐसा था उसके दिन में ऐसा ऐसा था वो मुसलमान नहीं था लेकिन उसके बावजूद ने उसकी की डिमांड की और अल्लाह त्याया हमने इस तरह यूसुफ को जमीन में पावर दिया तमकीन दी मतलब अल्लाह नाराज इससे है क्या कर लिया यूसुफ असलाम नहीं अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने कहा कि हम ऐसे अपनी रहमत से अपने बंदों के साथ मामला करते हैं मालूम है कि अल्लाह की भी इसमें थी तो ये कहाँ से आ गया ये कि गैर मुस्लिम हुकूमत में मुसलमान हैं तो उनके खिलाफ साजिश करें कहाँ से आ गया है जब तक कि उनके लिए अमन वमान है इमाम शाफिर रहम मेरे पास है नहीं वो तफसील उसकी वक्त और भी ज़्यादा हो जाएगा इमाम शाफि रहमत ने ख़ुद अपनी किताब अल अम में लिखा इस बात को और इसके लिए दलाल बहुत सारे हैं उन्हें कहा कि एक मुसलमान एक ऐसे मुल्क में जो मुसलमानों के खिलाफ जंग में है हरबी मुल्क है दारुल दारुलहरब में मुसलमान जाए और उन मुसलमानों को वो अमान दे तुम आ सकते हो हमारे यहां पे, तुम्हारी जान माल को खतरा नहीं जबकि वो मुसलमान मुल्कों का दुश्मन मुल्क है वो मुसलमान जब उस मुल्क में दाखिल हों, तो वहां पर वो खयानत नहीं कर सकते किसी गैर मुस्लिम की जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाते क्यों नहीं पहुंचा सकते क्यों इसलिए कि मुसलमानों को अल्लाह का हुक्म क्या है औफ बिलूद इन मसऊला जो अहद करके तुम जा रहे हो तुमसे उसकी पूछ होने वाली है तो मुसलमान तो मुसलमान काफिर से किया हुआ अहद भी निभाना पड़ता है किसकी वजह से हुआ ये? इसी फिक्र की वजह से हुआ है ठीक है इसमें दुश्मनों की साजिशें हैं इसमें कोई शक नहीं हो कब नहीं थी आपने उसके हाथ में डंडा दे दिया पिटाई करो हमारी आपने मौका उनको फराहम कर दिया ऐसे लोगों ने जिन्होंने इस फिक्र को आम कर दिया मुसलमानों के अमन अमान को पहले वैसे भी खतरे में थे अब ज्यादा खतरा खुला जरूरत पैदा होगी लोगों के अंदर कि हर मुसलमान को टेररिस्ट बोले ऐसा पहले नहीं था ऐसा पहले नहीं था एक मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला अगर गुजरे लोग जाने के लिए रस चलो भाई ये दीनदार आदमी है जाने दो शरीफ आदमी है आज उसको घोर के देखते हैं ये क्या है यह तशद है ये है ये टेरिज्म वाल, वाला है आज उसको और ज्यादा बुरी निकाह से देखा जा रहा है पहले ऐसा नहीं था क्योंकि हमने दीन को सियासत के साथ ऐसा जोड़ के पेश कर दिया कि मुसलमान हुकूमतों का बागी होता है जितना अच्छा मुसलमान होगा उतना बड़ा बागी होगा वो इस्लाम में ऐसा नहीं है और इस्लाम का मकसूद मुसलमानों का यह है भी नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमको ये बात मालूम होगी मैं बात को मैं चाहता हूँ समेट दूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पहले आप देखें आपने क्या फरमाया ने मक्का से जब आपने बात की दो तीन बातें करके मैं बात खत्म कर रहा हूं आपने मुश्रकिन से जब बात की तो आपने क्या कहा उनसे आपने कहा मा जी बिमा जी बिही अलैकुम आपने कहा मैं जो तुम्हारे पास जिस दावत को लेकर आया हूं मैं तुमसे माल नहीं चाहता मैं तुमसे शर्फ मुझे शर्फ मिले इज्जत मिले ऊंचा मकाम मिले नहीं चाहता और मैं तुम पे बादशाह नहीं चाहता अब कोई आदमी इस फिक्र वालों का लेने का था ना यही कहेगा ना बादशाह ले लेते और सबको सुधारते आपने क्या कहा मैं तुम्हारे दरमियान दावत के लिए आया हूं जिस दावत को लेकर आया हूँ मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे माल मिले मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे शर्फ मिले मकाम ऊँचा इज्जत मिले न इसलिए आया हूँ कि मुझे बादशाह मिले वही तुम पे बादशाह के लिए भी नहीं आया वन बैसनी किताबन लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाकर भेजा और मुझ पर अपनी किताब नाजिल की वह अम और बशीर व नवीरा और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि अब इन इन अल्फाज को गौर करें और आगे वाला जो मैं पैसेज बताने वाला उस पर गौर कीजिए बल्कि अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊँ और तुम्हें खबरदार करूँ तरगीब और तरहीब के लिए मुझे भेजा है तरबी तो देखो मैंने अपने रब का पैगाम तुम तक पहुँचाया व न साहत मैंने तुम्हारी खैर खाही की फिन तक बलो मिन्नी मा जी तो भी हुआ हल दो दुनिया वाला आखिर अगर तुम जो मैं लेकर आया हूँ, अगर तुम उसे कबूल कर लो तो तुम्हारा दुनिया और आखिरत में तुम्हें खैर नसीब होगी वह इन तर आया और अगर तुम मेरी दावत को रद्द कर दो तो मैं अल्लाह के फैसले के लिए सबर कर लूंगा अल्लाह के फैसले के इंतजार में मैं क्या करूँगा सबर करूंगा हत्या बैनी व यहां तक कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे इबन कसीर ने इसको जिक्र किया अपनी तफसीर में और इसकी सनत हसन है मैं इसलिए नहीं आया कि तुम पे बादशाह मुझको मिले मैं तो बस तुमको तरकीब तरहीब के लिए आया हूं हक बताने के लिए आया हूं माने तो ठीक नहीं तो मैं इंतजार करूंगा अल्लाह के फैसले का अब सैयद अबुल आला मौदूदी क्या कहते हैं कहते हैं ये बात तो अब किसी मजीद इस्तदलाल की मोहताज नहीं रही कि एक मुसलमान के लिए बशरते कि वह इस्लाम का सही शौर हासिल कर चुका हो सिर्फ एक ही चीज़ मकसद ज़िंदगी करार पा सकती है और वो है हुकूमत इलाहिया का क्याम एक ही मकसद हो सकता है मुसलमानों का क्या इस्लामी हुकूमत कायम करना अपनी किताब इस्लामी रियासत में कहते हैं सफा नंबर सात सौ छत्तीस पर मजीद कहते हैं अब अगर कोई शख्स दुनिया की असलाह चाहता है यहाँ मैं मौलाना मोदूदी पर तनकीद कर रहा हूँ एक ख़ास उनकी शख्सियत की बात नहीं हो रही ये फ़िक्र है एक ये एक आइडियोलॉजी है उसकी हम बात कर रहे हैं कहते हैं कि अब अगर कोई शख्स दुनिया की असलाह चाहता हो और फसाद को सलाह से भलाई से असलाह से इबतराब को अमन से कन्फ्यूजन और क्यास को अमन से बद को अखलाक साल से और बुराइयों को भलाइयों से बदलने का ख्वाहिशमंद हो तो उसके लिए महज नेकियों का आवाज और खुदा परस्ती की तलकिन और हसन अखलाक की तरगीब भी काफी नहीं है बल्कि उसका फर्ज है कि नौ इंसानी में जितने साल अनासर अच्छे एलिमेंट्स उसको मिल सकें उन्हें मिलाकर वो इज्तमावत बहम पहुंचाए जिससे तमदन की जमाम कार लगाम फासिकों के हाथ से छीनी जा सके फासिकों से छीनी जा सके और इमामत के निज़ाम में तगैर किया जा सके गवर्नमेंट में चेंजेस लाए जा सके यानी अब तुम लोगों को काम करना है क्या करना ये खाली नसीहत करना वाज़ो नसीहत बंद करो अब इसको क्या बोल रहे मौलाना मोदूदी अब तुमको अगर कुछ करना है तो ये करना पड़ेगा कि जो हुकूमतें हैं जिनके जो फासिक हुकूमतें हैं हुकूमतें हैं उनके हाथ से जो हुकूमत की लगाम है उसको क्या करो ताकत से छीनो तहरीक इस्लामी की अखलाकी बुनियादें सफा नंबर छह उन्होंने ये गोल दिया जबकि आप हदीस में देख रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं अब इसके नतीजा क्या होगा मुसलमान नौजवान जहां कहीं हैं क्या सोचेंगे अपना एक ही काम है अभी गवर्नमेंट को कैसे तख्ता उसका पलटना फिर खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते तो क्या करेंगे अंडर द कापिट सीक्रेट खामोशी के साथ चुपके छुपके फिर मजालिश में भी बातें हुई होंगी रशिया में क्या हुआ अमेरिका में क्या हुआ चीन में क्या हुआ घर में क्या हुआ नहीं वो लो प्रोफाइल है हाई प्रोफाइल बात ये है घर में बेटी का क्या हुआ बेटे का क्या हुआ बीबी का क्या चल रहा बाप का क्या माँ का क्या भाई का क्या बहन का पड़ोसी का क्या पड़ोसी का क्या तो ये जो मेंटालिटी बनी इसके नतीजे में ये फसाद पैदा हुआ कि असल मुद्दे से हम लोग हट गए और हमने एक और चीज़ को अपने लिए असल मकसद बना लिया और बिगाड़ मुसलमानों में आता जा रहा है और सियासी जहन होने की वजह से दीनदारी भी कमजोर होती जा रही फिर इबादात में वो दिल नहीं लगता जो सियासी डिस्कशन में मजा आता है फिर सुनत की बाकी बात फिर कुरान की तफसीर भी सारी सियासी कुरान की सारी तफसीर कैसी सियासी फिर इबादत में वो बात नहीं होती जो जंग की बातों में मजा आता है जैसे लोगों को पीरों के और अलिया के वाकयात में मज़ा आता है लेकिन तफसीर और हदीस में उतना मज़ा नहीं आता साहबा के वाकयात में उतना मज़ा नहीं आता जितना बाबाओं के वाकयात में साहबा से ज़्यादा मज़ा किस में बाबा के वाकयात में साहबा के वाकयात में नहीं करामतें एक जहन वो है दूसरा जहन कैसा कि जिनको जिहाद सारी चीज़ें जिहाद में दिखाई देती हैं सारी चीज़ें हुकूमती मामलों में सियासी मामलों में दिखाई देती हैं बाकी दीन के इबादती शोबों में वो मज़ा नहीं आता बातचीत करके इसलिए कैरेक्टर में भी वो कमियां पैदा हो जाती हैं वो मशीन बन के रह जाते हैं वो पोलिटिशंस बन जाते हैं वो पॉलिटिशियंस बन जाते हैं वो दीन के रहनुमा नहीं बन पाते हैं फिर उस तनाजुर में उनके पास प्रोफेसर ज्यादा होते हैं कम होते हैं की जरूरत क्या है मौलवी लोग नीचे हमको हमको कौन से थिंकर्स चाहिए थिंक टैंक चाहिए टैंक में डुबो के मरो सब लोग बिला शुबह मुसलमानों के पास बसीरत होना चाहिए आलमी सतह पर हालात उनको मालूम होने चाहिए लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जमीनी सतह पर अपने करीब के मसायल को भूल जाए दूर की चीज़ों को हम देखते रहें करीब की चीज़ों के अंधे हो जाए हम लोग ये नहीं होना चाहिए आखिरी बात कह के मैं अपनी हदीस कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा अल्लाह के नबी सल्लासम के साहबी अबू हुर अल्लाह तु सब खुश हो गए खत्म करूँगा और सब खुश हो गए चेहरे पर एकदम असरा दिखाई दे रहे कब से बांध के रखे जब से डंडे से पिटाई कर रहे हुकुमाद, 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 नहीं करना क्या हुकूमत इस्लाम में का यानी इस्लामी अहकाम के नफाज का तस्वूर है और वो होना चाहिए लेकिन उसका अपना रास्ता है ये नहीं कि हम उसी को गोल बना के उसके लिए दौड़ते रहे उसके हालात जब पैदा होते हैं और वैसे हालात जैसे अल्लाह के नबी सल ला ला जैसा माहौल बनाया और छोड़ा अपने बाद उस वक्त में पहला काम यह था कि खलीफा मुकर किया जाए लेकिन आप हिस्ट्री वहां से शुरू करेंगे आप वहां से हिस्ट्री शुरू नहीं कर सकते आप सफा की पहाड़ी से आपको शुरू करना पड़ेगा क्या अकेले आप खड़े के आपने क्या कहा लोगों वहां से आपने दावा शुरू किया आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा आप बाजार में जा रहे हैं किसी सिवा कोई इबादत के लायक नहीं तुम कामयाब हो जाओगे और वो ट्रेनिंग कोर्स नहीं था कि हुकूमत तक ले जाना है वो हालात पैदा वैसी वजह से कोई आदमी बहुत काम पे जा रहा पहले बैठा रहता था अभी बात सुना उसने और सुबह शाम नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहा पैसा क्यों कर रहा बोले जक़ात फर्ज है ना तो मैं माल जमा कर रहा हूं ताकि जकत दे सकूँ वरना जहन्नम में जाऊंगा अरे अल्लाह के बंदे जक़ात फर्ज मालदारों पर है जकत के लिए माल कमाने का हुक्म नहीं है कि गरीब मरा तो जानने में जाएगा समझ में आ रही बात कि तू गरीब मर गया तो जानना में चला जाएगा ऐसा है कि तुझको गिर पड़ के जक़त के लिए माल जमा करना है और जक़ात देना है ऐसा नहीं है वैसा है कि हुकूमत अगर आ गई मुसलमानों के पास ऐसे हालात पैदा हो गए तो मुसलमानों का खलीफा वहां होना चाहिए शरीयत का निफाज होना चाहिए जब माल आ जाए जब हालात वैसे पैदा हों ये नहीं कि उसके लिए कोशिश आप करते रहें नहीं भी होगा जैसे बाज नबियों को नहीं मिला जैसे बाद को क्या उनका दिन कामिल नहीं था एक आदमी अगर गरीब है वो दिन पे चल रहा है और जकत नहीं दे रहा क्या उसका दिन नाकिस है नहीं वो भी दिन पे चल रहा है बल्कि पांच सौ साल पहले जन्नत में जाएंगे तो ये सोच जो है कि हमको वो कर पाना ही है वैसे ही जैसे एक आदमी कहे कि हमको माल जमा करना जरूरी क्योंकि जकत पे अमल करना है माल आया तो जकत दे माल देने के लिए माल कमाने के लिए दौड़ता रहे दीवानों की तरह समझ में आ रही बात इसको याद रखना चाहिए अबू अब और आसमान की तरफ देखा एक फरिश्ता नाजिल हुआ जबरी मा ना जला मुंद योम खुल का ये जो फरिश्ता जो नाजिल हुआ है ना जब से इसको पैदा किया गया है तब से अब तक ये कभी जमीन पर नाजिल नहीं हुआ था पहली बार ये आया है फलम मा ना काला या मोहम्मद अरसल अनी का उस फरिश्ते ने आके कहा अहम्मद सल्ला मुझे आपकी तरफ आपके रब ने भेजा है उस परिश ने क्या कहा मुझे आपके रब ने भेजा आपकी तरफ किस पैगाम के साथ अल्लाह ने आपके लिए ऑप्शन रखा है दो में से एक अल्लाह आपको बादशाह नबी बनाए या बंदा नबी अल्लाह की तरफ से आपके लिए दो में से एक का इंत है आपको बादशाह नबी बनना है या आपको बंदा नबी बनना है या गुलाम नबी जिसको आप कहें बंदा नबी कि वो बंदा हो अल्लाह का और नबी हो या बादशाह हो और नबी हो आपको क्या बनना है दो में से एक आपको चुनना है जबरील ने कहा मोहम्मद ए महमद अपने रब के लिए तोज़ु इख्तियार कीजिए बल अब रसूला आपने क्या कहा बल्कि मैं ये पसंद करूँगा कि मैं अल्लाह का बंदा रसूल बनूँ बादशाह का ऑफर था कि नहीं किसकी तरफ से था सब का बादशाह सबसे हकीकी बादशाह उसकी तरफ से है आपने क्या कहा नहीं मैं बादशाह नबी नहीं बनना चाहता मैं क्या बनना चाहता बंदा नबी इस हदीस को इमाम अहमद ने और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है मुस्त अहमद हदीस नंबर सात हजार एक सौ साठ इब्न हिब्बान छः हजार तीन सौ पैंसठ और शेख अलबान ने कहा कि हदीस सही है इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का गोल भी नहीं था कि बादशाह बनना है हुकूमत हासिल करना है हमने कैसे दे दिया उम्मत को ये मकसद बल्कि हमारा मकसद क्या है वही जिसके लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया कि अब्द बने हम अल्लाह के आबिद बने हम अल्लाह के सच्चे मानों में हम अल्लाह के बंदे बन जाएं अल्लाह हमको इसी का हुक्म दिया है फिल्ला सलुद्दीन अल्लाह की इबादत कर अपने पूरे आमाल को पूरे दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए वामक लियाबुदून मैंने जिन्नत और इंसान को सिर्फ इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें कन तुम खैरा उम्मतन उखरजत लिन्नास तुम बेहतरीन उम्मत हो तुम्हें लोगों के लिए चुन के अलग किया गया है निकाला गया है तमरून अबिलरूफ ही व तनह ना मुनकर तुम भलाई का हुक्म देते हो बुराई से रोकते हो लोगों को बताते हो क्या सही है क्या गलत है इसलिए कि इंसानियत अल्लाह की वही के बगैर नहीं जान सकती है सही क्या है गलत क्या है अच्छा क्या है बुरा क्या है इसलिए दीवानों की तरह ट्राई कर, 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 कर रही है ये ट्राई कर रही है योगा ट्राई कर रही है फूल ट्राई कर रही है मेडिटेशन ट्राई कर रही है माइंडलेसनेस क्या क्या ट्राई कर, कर रही है सब ट्राई कर रही सुकून मिल रहा सुकून किस में है खबरदार <ख़़़़ा थिक्रिल्ल्ही तत्मा इन्न> अल्लाह की याद ही से दिलों को इतमान है जब तक अल्लाह की मार्फत और अल्लाह से ताल्लुक न हो दिल को सुकून मिलने वाला नहीं तुम लोगों को बताते हो भलाई क्या है बुराई क्या है बिल्ला। और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो अपने तो 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 अल्लाह कर अल्ला मदद करेगा लोगों को दीन की दावत दे और घर में दे उस, उस, उस उनके बारे में पूछ होने वाली है कुल्लु को मुरहा वह कुल्लु को मसोल अनरा ही तुम में से हर एक निगरान है सरपरस्त है उससे अपने मातहतों के बारे में पूछ होगी आज बोला हमसे पूछा जाएगा फुला मुल्क में ऐसा और अल्लाह के बंदे तेरे से कौन पूछेगा फुला मुल्क के बारे में हदीस बता रही तो उससे तेरे घर वालों के के बारे में पूछा जाएगा उनको छोड़ के सारी दुनिया की फिक्र कर रहा है उनकी फिक्र पहले कर अपनी फिक्र कर तो उससे पांच सवाल पूछे जाएंगे उम्र किस काम में लगाई जवानी की ताकत किस काम में लगाई माल कहां से कमाया कहां खर्च किया जितना जानता था उस पर कितना अमल किया तो उससे पूछा जाएगा उससे पहले खबर में रब कौन तेरा दीन क्या तेरे नबी कौन इसकी तैयारी है दुनिया भर की खुराफात में लगा हुआ इसकी पहले तैयारी कर इन सवाल के जवाब की तैयारी कर बाद में बोल फिर क्या पूछा जाएगा यह पूछा जाएगा कंफर्मड है तू जो बोल रहा है उसके बारे में कोई कंफर्मेशन आसमानी नहीं है लिहाजा हम उम्मत को इसके लिए तैयार करें जो सबसे पहला सवाल मरने के बाद पूछा जाने वाला है तेरा रब कौन उसके लिए उसको तैयार करें अबू दाऊद की रिवायत में मता बुद्ध किसकी इबादत करता था कबर में सबसे पहला इंटरव्यू क्या है उसका पहला क्वेश्चन क्या है मा तेरा रब कौन? किसकी इबादत करता था यह नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री का था तू कौन से हाकिम के खिलाफ लड़ के आया तू इबादत किसकी करता था रब किसको मानता था अपनी जिंदगी में इसके लिए हर मुसलमान को तैयार करें अपने लिए भी इसकी तैयारी करें लोगों की ज़िंदगी में दीन आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आए बिदातें निकलें शिरक निकले तोहद आए मुसलमान अल्लाह का बंदा बने नमाज सुकून से पढ़ने वाला बने और अल्लाह को याद करने वाला कुरान की तिलावत करने वाला लोगों के साथ अच्छे अखलाक से जीने वाला बने और दीन के लिए अपने माल को लुटाने वाला बने ये काम है इसमें आदमी को लगता कुछ तो कर रहा मैं नहीं तो ये भी नहीं वो भी नहीं ना हुकूमत मिली ना दीनदारी आई बस मैं सियासतदान बना वो भी जमीन पे नहीं दिमाग में सिर्फ जिसकी हुकूमत घर में भी नहीं चलती जवान आदमी आके बेटी से बोला पर्दाकार बेटे में नमाज पढ़ आप 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 बोलते अच्छी बात है चुप सुन के वो वही करेंगे जो करते हैं तेरी हुकूमत घर में नहीं है बल्कि घर में हुकूमत कर बाद में बाकी बातें कर रहे अल्लाह तब को समझता फरमाए और इस ताल्लुक से हम लोगों को नौजवानों को खास तौर से गलत रास्ते पे जाने से बचाए याद रखें ये दावत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है यही दावत दावत है सादा काम दिखता बाज़ोकात और आदमी चाहता कुछ तो कलरफुल होना तो मजा आता जरा सीधा साधा आदमी को पसंद नहीं आता ये खाली तो बस इबादत करो दिन की दावत दो हदीस सिखाओ लोगों ये, ये बस इतना थोड़ा कुछ और भी होना चाहिए बाज अव बहुत सारी चीज़ें जो बहुत खुशनुमा दिखाई देती हैं रहता कुछ नहीं उसके अंदर है जो नबियों का काम है वही काम काम है तो अल्लाह के नबी सल्ला उसने खुद बताया एक जमात हमेशा हक पर रहेगी लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान और सुन्नत को सीखें सिखाएं, अपनी ज़िंदगी में उस दीन को लाएं, अपने अतराफ जितने लोग हैं उन तक उसको पहुँचाएँ प्यार मोहब्बत से नरमी से जहाँ हमारी ताकत है वहाँ कभी ताकत से भी तो जैसा हमारे लिए आसानी है हम उस तरह से दीन की दावत दें और सियासी तहरीकों से दूर रहें क्योंकि ये तहरीक